जी हाँ 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 बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो हमने कोड किया उसकी होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपने वैसे अच्छा सवाल किया कि प्रायोरिटी आप डिसाइड कैसे करेंगे। आपको हमेशा क्या करना है, जो लाइब्रेरी है ना उसको ऊपर रखना है, अपने सीएसएस को नीचे रखना है। जो जहाँ पे आप एचटीएमएल में, बल्कि मैं खोल के करके भी दिखा देता हूँ, वीएस कोड में आ जाते हैं और आपकी क्लास का कोड ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने क्या लगा के देख लिया था, ग्रुप बटन लगा के देख लिया था। अब मिसाल के तौर पे मुझे पहले बटन पे कोई काम करना है, इसको ज़रा ओपन भी कर लेते हैं कि खुल के दिख रहा कैसा है। ये कुछ इस तरह का, इसमें से सी एस एस कहाँ गायब हुई, इसमें से तो सी एस एस गायब ही हो गई। नहीं, नेट तो चल रहा है, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कोई एरर आ गया हो तो यहाँ पे कंसोल में। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुझे ना ये सी एस एस का लिंक समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों भला, लास्ट टाइम तो हमने यही लिंक यूज़ किया था। अच्छा, वो गॉट इट, ये पता है क्यों आ रहा है एरर, ये एरर इस वजह से आ रहा है कि असल में ये लिंक था bootstrap.min.css का, राइट, बट मैंने min हटा दिया था, तो इसके साथ जो डाइजेस्ट आ रहा है ना, इसका जो ऑथेंटिसिटी होती है फ़ाइल की, ये इंटीग्रिटी जो होती है फ़ाइल की, कि ये फ़ाइल वही फ़ाइल है जो वहाँ से निकली है और यहाँ पहुँची, वो इंटीग्रिटी इसमें मैच नहीं हो रही है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस लिंक को वापस पहले जैसा कर दूँगा, ठीक है, min.css कर दूँगा। तो ये मैंने ये कारिस्तानी की थी, इसकी वजह से ये नहीं चल रहा था, अदरवाइज़ इसमें कोई इशू नहीं है। वेल, अब मेरे पास जो है दो बटन ऊपर है और एक नीचे बटन का ग्रुप है मेरे पास। अब बटन का जो ग्रुप है, इसमें मेरे ख्याल है थोड़ी सी हम लाइन ब्रेक ज़्यादा दे देते हैं ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए। अब ये जो बटन का ग्रुप है, मैं चाहता हूँ मिडल वाला बटन थोड़ा सा लंबा हो जाए। अब हो सकता है बूटस्ट्रैप में इसका कोई ऑप्शन मौजूद हो पहले से, लेकिन जस्ट इन केस अगर नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन, मैं चाहता हूँ मिडल वाला जो बटन है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसी सी एस एस लिखूँगा जिसका जो लिंक है ना वो इस लिंक के बाद होना चाहिए, ठीक है, इस लिंक के बाद होना चाहिए, सॉरी स्क्रिप्ट नहीं होगा ना इसका, तो वो होगा लिंक, सही है, लिंक, और मैंने कहा स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा डॉट, अच्छा अगर तो मुझे ना जितने भी ग्रुप बटन है सबके साथ ये करना है, तो मैं फिर क्या करूँगा, ये ग्रुप बटन करके और फिर इस पर डॉट लगा के जो है ना करूँगा काम, उससे ये होगा कि बाद में भी जितने मैं लगाऊँगा ना बटन ग्रुप, उन सब पे ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मुझे बटन का ग्रुप नहीं लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक क्लास और लगा दूँगा मैं, ठीक है, मेरी मर्ज़ी की एक क्लास, मैंने कहा बटन, उसी उन्हीं के क्लास के हिसाब से लगाऊँगा बटन ग्रुप, और इसके आगे लिख दूँगा मैं कस्टम, यानी मैं बटन ग्रुप के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और कस्टम वन भी लगा दूँगा इसके साथ, ताकि मैं बाद में किसी दूसरे पे कोई दूसरी कस्टमाइजेशन करूँ तो उस पर मैं टू लगा दूँगा, ठीक है। वैसे इस वन लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो एक ही है मेरे पास, जस्ट इन केस ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें 1, 2, 3, 4 आप लगा सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि बटन ग्रुप कस्टम और उस पर मैं सी एस एस क्या लगाना चाह रहा हूँ। अब इस पर डायरेक्टली तो कुछ लगा नहीं रहा हूँ, मुझे सेंटर वाले बटन पर लगाना है, ठीक है, जो दरमियान वाला बटन है मुझे उस पर लगाना है, तो दरमियान वाले बटन पर भी कोई ना कोई क्लास लगी हुई है, लगी हुई है बिल्कुल इस पर, बटन और बटन प्राइमरी। तो मैं किसी एक क्लास को भी अगर पकड़ लूँ कि भाई बटन ग्रुप कस्टम के अंदर जो बटन की क्लास है, पकड़ में आ जाएगा, दोनों में से कोई भी पकड़ लूँ दोनों से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, दो क्लास लगी हुई है इसमें, दोनों में से कोई भी लिखूँगा पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, बट मैं लिखूँ, सॉरी, हाँ यार ये बात भी सही बोली इसने कि क्लास तो सब पे सेम है, ठीक है,
हम इसके अंदर कौन सा सेलेक्टर लगाएंगे तो सिर्फ ये दरमियान वाले पे सेलेक्ट हो। क्लास तो तीनों में क्योंकि सेम है, अब तीन चिल्ड्रन हैं इसके अंदर, अब कौन मुझे बताएगा कि कौन सा मैं नहीं, सेलेक्टर के ज़रिए भी हो जाएगा ये। मैंने कहा कि भाई हाँ अच्छा, मैंने यहाँ पे आके क्या बोला कि भाई बटन ग्रुप कस्टम के अंदर एक BTN करके क्लास है, ठीक है, उस पर लगाना है। अब BTN के पकड़ में ना तीनों आ रहे हैं, ठीक है, अब बताओ इसमें क्या ऐसा लगाऊं जिससे सिर्फ सेकंड वाला पकड़ में आए। एक दोस्त आपके कह रहे हैं कि प्लस डॉट BTN लगाऊं और उसके बाद मैं लगाऊं प्लस डॉट BTN, कितने लोगों का ख्याल है कि ये सही लिखा हुआ है सेलेक्टर? मेरा भी यही ख्याल है कि ये सही चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई और किसी को सजेस्ट हो रहा है? आईडी नहीं देनी है ना, क्लास पे ही करना है काम, क्योंकि मैं ऐसा काम करना चाह रहा हूँ वो बाद में भी मेरे मैं कहीं और लगाऊं तो लग जाए। आईडी दूंगा बाद में मसला होगा, मुझे हर एलिमेंट पे आईडी देनी पड़ेगी। हाँ, बटन तो ग्रुप का चाइल्ड है, इसमें लगेगा फर्स्ट चाइल्ड। अब फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर कौन सा होता है? ये सिबलिंग कैसा ही कह रहा है, ये प्लस तो सिबलिंग का होता है, फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर कौन सा है, कौन बताएगा? ग्रेटर देन तो चिल्ड्रन का, सारे चिल्ड्रन हो जाते हैं। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है, कॉलन करके फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, कॉलन करके फर्स्ट चाइल्ड लगा सकते हैं आप, बट ये तो फर्स्ट चाइल्ड का सही है। अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड से हमारे पास क्या पकड़ में आ जाएगा? फर्स्ट चाइल्ड से मुझे पहले वाला पकड़ में आ गया। अब पहले वाला जब मेरे पास पकड़ में आ गया तो उसका सिबलिंग सेकंड वाला है, तो ये सिबलिंग पकड़ में आ गया, ठीक है। अरे यार, ये जैसे ही मैं वो लगाता हूँ ना इस पर, ये सारे को मिक्स कर दे रहा है। मेरे पास मेरा ख्याल है ब्यूटीफायर कोई गलत हो गया है। सही है जी, तो हमने क्या किया, फर्स्ट चाइल्ड पकड़ा पहले और फर्स्ट चाइल्ड पे प्लस लगा के, जो कि सिबलिंग सेलेक्टर है, हमने कहा कि इसके बाद वाला जो है ना वो कर लो। अच्छा, जब मैं मुझे फर्स्ट चाइल्ड पकड़ में आ गया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं बटन का टैग का नाम भी लिख सकता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि क्लास तो तीनों में सेम है, तो मैं यहाँ पर डॉट BTN लगाने के बजाय मैं बटन का टैग भी लगा सकता हूँ। हाँ, ये भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं एरो लगा देता ना तो वो तीनों पे अप्लाई हो रहा होता है। तुम ये कह रहे हो ना कि मैं ग्रुप कस्टम लिखता, उसके बाद एरो लगाता चाइल्ड सेलेक्टर, उसके बाद बटन लिख देता, तो वो एरो में तीनों आ जाते हैं, एरो में ना तीनों आ जाते हैं। अब वो तीनों पे फिर मैं प्लस लगाता सिबलिंग, तो वो फिर चौथा ढूंढता अपने नीचे। वेल, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, मैं इस पर क्या लगाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा विड्थ 400 पिक्सल, राइट, देखते हैं कि अप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता। अच्छा, ये अप्लाई नहीं हुआ, ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है इसकी। ये मेरा डिव है, सही है जी, और ये मेरे डिव के बाद ये बटन है। अच्छा, पहले तो एक काम करते हैं, ये सब कुछ हटा के सिर्फ हम इस पर सब पे अप्लाई करके देखते हैं कि वो अप्लाई हो भी रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है अप्लाई, हमारे सेलेक्टर में कुछ मसला है, हमारे सेलेक्टर में स्टिल कुछ मसला है, ये सेलेक्टर सही नहीं बने। अब बताओ इसमें क्या मसला है? अभी बुक में खोल लेते हैं, अभी खोल लेते हैं हम सेलेक्टर वाला चैप्टर। कौन से वाले में था वो, बॉक्सेस में? इंट्रोडक्शन में नहीं था यार, एक मिनट, वो उसमें ना व्यू मेरे पास सही तरह से नहीं हो रहा। ये आ गया सेलेक्टर हमारे पास, अब इसमें फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास नहीं है,
फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर कौन सा है हमारे पास? चाइल्ड सेलेक्टर है, इसमें तो सारे आ जाएंगे, सारे चाइल्ड सेलेक्टर्स में आ जाएंगे, डिसेंडेंट में सारे नीचे वाले आ जाते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग तो हमने प्लस बिल्कुल सही लगाया। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको हटा के ना सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड पे लगा कर देखते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट चाइल्ड पे ही अप्लाई नहीं हो रहा, फर्स्ट चाइल्ड जो है ना इसका, उस पर ही अप्लाई नहीं हो रहा है। किसी ने पहले लगा कर देखा था फर्स्ट चाइल्ड वाला? किसी के पास चला है आज से पहले? नहीं ना, क्लास तो तीनों पे सेम लगी हुई है ना, वो तो तीनों पे लग जाएगा। सर वो कॉलम के बाद फर्स्ट चाइल्ड नहीं लिखा, उसकी क्लास लिखी है अलग। अच्छा, सेलेक्टर का जो सेकंड पार्ट है वो कहाँ पर है, कौन से चैप्टर में, कोई बता सकता है? क्योंकि कुछ सेलेक्टर इन्होंने फिर बाद में अलग से भी बताया है। फर्स्ट चाइल्ड का सेलेक्टर है तो सही मौजूद, इतना तो मुझे याद है। ये आ गया ना फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट चाइल्ड, ओ फर्स्ट लाइन है, ओके। अच्छा, ये बकाया जो थे ना हमारे, ये वो आ गए। फर्स्ट चाइल्ड सी एस एस सेलेक्टर, यार डब्ल्यू थ्री स्कूल में तो है, डब्ल्यू थ्री स्कूल में ट्राई योर सेल्फ करते हैं। अच्छा, इन्होंने देखो क्या किया भाई, यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड चलना चाहिए हमारे पास, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। इसने कहा है कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका बैकग्राउंड कर दो येलो, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो है अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड असल में हम लगा रहे गलत हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, फर्स्ट चाइल्ड तो हमने लिखा है लेकिन लिखा गलत तरीके से, वो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा जैसे लिखा है हमने, वो लिखा इस तरीके से जाएगा कि जो भी सेलेक्टर्स हैं हम उन सबका नाम लिखेंगे, और उन सबका नाम लिखने के बाद उसके आगे हम फर्स्ट चाइल्ड का लगा देंगे, तो उसमें सिर्फ पहला वाला जो है उस पर वो अप्लाई होगा, बाकियों पर वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लगाया तो हमने सही था लेकिन लिखा गलत तरीके से था। मिसाल के तौर पे फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा कि मुझे कोई ऐसा सेलेक्टर लगाना है जिसमें ये तीनों बटन पकड़ में आ जाए, मुझे कोई ऐसा सेलेक्टर लगाना है जिसमें ये तीनों बटन पकड़ में आ जाए, बाद में उसके आगे मैंने लगा देना फर्स्ट चाइल्ड, तो फिर होगा क्या है कि एक्चुअली पकड़ में तो तीनों आ रहे होंगे लेकिन लगेगा सिर्फ पहले वाले पर, ठीक है। वो एक्चुअली सूडो क्लास है, वो सेलेक्टर नहीं है। जो सूडो क्लास हमने पढ़ा था ना होवर वाला और कौन कौन सा, वो उसमें से एक है, ठीक है। वो इस तरह से अप्लाई होता है, हम सेलेक्टर की तरह जो यूज़ कर रहे हैं वो असल में सेलेक्टर की तरह से अप्लाई नहीं होगा। तो फिर हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम दोबारा से वही वाला काम करेंगे जो हमने पहले किया था। मैं कहूँगा बटन ग्रुप और उसके अंदर जो है बटन, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर लगा दिया मैंने, इसमें तीनों पकड़ में आ रहे हैं। अब बाद में मैंने क्या करना है, कॉलन लगा के ना यहाँ पर मैंने कह देना है फर्स्ट चाइल्ड, सही है। अब ज़रा देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी, फर्स्ट चाइल्ड हो गया ये, ठीक है। बट मुझे फर्स्ट चाइल्ड पे नहीं लगाना, मुझे किस पे लगाना है, फर्स्ट चाइल्ड का जो सिबलिंग है पहला उस पे लगाना है,
अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है सूडो क्लास लगने के बाद ना मज़ीद इस पे मैं वो नहीं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, वो कॉमा डल गया था। सही है, दरमियान वाला पकड़ में आ गया। अच्छा, ये ओवर किल किया है मैंने, थोड़ा जो काम इजीली हो सकता था उसको मैंने ओवर किल किया है। लेकिन ओवर किल का मतलब होता है कि आप मक्खी को मारने के लिए टैंक लेकर आ जाए। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो मैंने सेलेक्टर लगाया ना, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने लगाया क्यों है, ताकि आपको रियलाइजेशन हो जाए कि सेलेक्टर हम यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ पे ये काम आता है। तो ये हमने सक्सेसफुली लगा लिया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप थोड़ा फंस जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो सीएसएस के सेलेक्टर वहाँ पे आपके बहुत काम आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्लास लगा देता हूँ वहाँ पे, अब ये जो मैंने बनाया है ऐसा जनरल सेलेक्टर बनाया है कि मैं अगर दोबारा इसको डुप्लीकेट भी करता हूँ ना, किसी और जगह पे लगाता हूँ, मैं किसी और जगह पे लगाऊंगा ना, मैं तो जस्ट ये वाली क्लास ऐड करने से इस पे भी ये सेम तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो सेकंड पे भी लग गया। तो ये हमने भाई क्वेश्चन थोड़ा सा ले लिया, और अब हम चलते हैं वापस बुक में। और बुक में हम क्या करते हैं, मतलब अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, लेआउट वाला चैप्टर, सॉरी, ये फॉर्म्स एंड टेबल्स वाला चैप्टर हम कर रहे थे, आई थिंक कंप्लीट नहीं किया था ये हमने, राइट? ये इमेज स्टाइल वगैरह ये हम थोड़ा सा देखा था हमने, और हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ओपेक्सिटी देख ली थी हमने, ये भी देख लिया था, स्टाइलिंग फॉर्म्स हमने स्टार्ट करना था, राइट? अच्छा, स्टाइलिंग फॉर्म्स जो है वो हम बूट स्ट्रैप जो हमने कवर किया था उसमें तकरीबन हमने फॉर्म के जो इनपुट्स हैं और बटन्स हैं वो देख लिए थे कि वहाँ पे किस तरह से अप्लाई हो रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ फॉर्म पे ही अप्लाई हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे टैक्स इनपुट है, अब टैक्स इनपुट जो है वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। जो चीज़ें टैक्स इनपुट पे अप्लाई हो सकती हैं वो हर एलिमेंट पे, एक बॉक्स पे नहीं हो सकती, एक डिव पे नहीं हो सकती वो। ठीक है, तो देखते हैं हम कि वो क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ इस पर अप्लाई हो सकती हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, फोकस, हवर, बैकग्राउंड इमेज, ये तो वो सारी हैं जो सब पे लग जाती हैं, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। स्टाइलिंग सबमिट बटन, अभी इन्होंने सबमिट बटन पे ना स्टाइलिंग की हुई है कुछ। अच्छा, इस स्टाइलिंग में क्या लिखा है, कलर बताया, कलर से टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट पे शेडो कुछ लगाया है, बॉर्डर बॉटम करके कुछ इन्होंने नीचे की साइड पे कुछ बॉर्डर इसके ऐड किया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दो तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया है इसमें। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अच्छा, क्योंकि इन्होंने लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल किया हुआ है बैकग्राउंड कलर में, तो लीनियर ग्रेडियंट जो है वो हर ब्राउज़र में मुख्तलिफ नाम से उसकी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसने जो है ना तीन तरीके से जो जो पॉसिबल थे वो सब दे दिया इसमें। ठीक है, 3 या 4 तरीक़े जो भी हैं। तो कुछ ऐसी CSS3 की चीज़ें हैं जो हर ब्राउज़र में उसका नाम मुख्तलिफ है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो हमें उस तरह करके देना पड़ता है। तो ये करके देखने वाली चीज़ है, एक बार आप करके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा, लेजेंड एंड फील्ड सेट, इस तरह का फॉर्म आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स पे बना हुआ आ रहा होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं टैग इसके कैसे होते हैं। अच्छा, टैग आपने लगा के बिल्ड कर लिया, वो काफ़ी अजीब सा बनता है, बट आप फील्ड सेट पे और लेजेंड के ऊपर स्टाइलिंग लगा के उसको बेहतर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी करके देखने वाली चीज़ है, अपने कोड हाथ से लिखेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह चल रहा है। अच्छा, इन्होंने ना फॉर्म की अलाइनमेंट के इशू पे एक बात की है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब ये इश्यूज़ मैटर करते हैं, क्योंकि हम फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए लेआउट अपना बना रहे हैं, तो हम फ्लैक्स बॉक्स पे जब लगाते हैं तो सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं हमारे। ठीक है, एक्चुअली इसने बात ये की है कि आप जब फॉर्म कंट्रोल बनाते हैं ना, तो लेबल देखो किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, तो बॉक्स भी ना आगे और पीछे हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसने यहाँ पे कुछ CSS का कोड लिखा है जिसकी वजह से सारे फॉर्म कंट्रोल्स और सारे लेबल्स वो आपस में अलाइन हो जाते हैं बिल्कुल सीधा करके। ठीक है, एक्चुअली इसने क्या किया, दो अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। ठीक
ठीक है, एक में लेबल्स लिखे हैं, एक में कंट्रोल्स लगाए हैं, और दोनों को क्या कर दिया, एक को लेफ्ट साइड पे और एक को राइट साइड पे अलाइन किया है, तो वो दोनों एक दीवार से चिपके हैं, इसलिए आपको सीधा दिख रहा है। सेम चीज़ आप फ्लैक्स बॉक्स से भी कर सकते हैं। अच्छा, कर्सर पे कुछ स्टाइलिंग है, कौन कौन सी है वो ये सारी स्टाइलिंग है, ठीक है। आप मुख्तलिफ मौक़ों पर CSS के ज़रिए अपने कर्सर का जो इमेज है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी फ़ोटो के ऊपर आप अगर हवर करते हैं, तो आप चाहते हैं जब मैं फ़ोटो के ऊपर हवर करूं तो मेरा जो कर्सर है वो सनफ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे छोटी सी कोई इमेज जिफ की अपने कर्सर की जगह पे दिखा सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ पुरानी वेबसाइट्स में देखा होगा जो ब्लॉग स्पॉट में कि कर्सर मूव होता था, उससे फूल झड़ते हुए जा रहे होते थे, ठीक है। अगर क्योंकि उस ज़माने में ब्लॉग्स वगैरह नए नए आए थे, तो लोगों को बहुत शौक होता था इस तरह की चीज़ें ट्राई करने में, तो वो कर्सर जो है ना चमक जगमग तारा बना हुआ होता था पूरा, और जैसे आप ऐसे मूव करते थे तो किसी से पानी टपक रहा है, किसी से क्या टपक रहा है, ठीक है। विंडोज़ XP के दौर में इन चीज़ों की बाकायदा CDs मिलती थी, तो वो लोग ना अपने PC में इंस्टॉल करते थे इस तरह की चीज़ें, कर्सर स्टाइल्स करके होता था। तो वेल, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। कोई जिफ इमेज है जो मूव करती है, जिफ इमेज एक्चुअली, तो उसको आप पूरे कर्सर की जगह पर लगा सकते हैं। अच्छा, शुरू में इसने जो है ना एक टेबल और एक वो बनाया था, एक छोटी सी ऐप बनाई थी, इसमें टेबल्स वगैरह थी कुछ, उसका नीचे कोड लिखा हुआ है। कोशिश कीजिएगा इस कोड को अपने हाथ से लिख लें और स्टाइलिंग बगैर देखे करें, उस इमेज पे ऊपर चले जाइएगा और वहाँ देखते जाइएगा उसने क्या किया हुआ, और उस स्टाइलिंग को अपने हाथ से बगैर देखे करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग इस काबिल हो गए कि वो वाली स्टाइलिंग आप कर लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से इसने की है वैसे करें, आप फ्लैक्स बॉक्स से कर लें जैसे आपका दिल कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे काम करेंगे जाके तो आपको इमेज मिलेगी एक्चुअली, और उस इमेज को आपको HTML में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, जिसको HTMLizer भी बोलते हैं। तो आपको PDF मिलती है, आपको अभी बल्कि अगर हमें पर टाइम बचा तो वायर फ्रेम्स पे हम कुछ बात करेंगे कि वायर फ्रेम्स क्या होते हैं। तो सम टाइम आपको वायर फ्रेम मिलता है, सम टाइम आपको कम्प्लीट PDF मिलती है पूरी, जिसमें एक वेबसाइट की पिक्चर होती है, वो फोटोशॉप पर बनी हुई होती है, और आपको क्या करना होता है उसको HTML में बनाना होता है। तो वेल, तो उस जगह पे ना ये स्किल आपको चाहिए होती है कि आप पिक्चर को देख के एनालाइज कर लें कि यहाँ पे कौन सी स्टाइलिंग में लगाऊंगा तो इस तरह का रिजल्ट मुझे मिलेगा। अच्छा, ये भाई चैप्टर है हमारा लेआउट, क्योंकि हम फ्लैक्स बॉक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक ग्रिड लेआउट है, वो हमने इस क्लास में कवर नहीं किया है, उसको भी कोशिश कीजिएगा कि अलग से आप देख लें, क्योंकि ग्रिड लेआउट भी जो है वो काफ़ी मार्केट में इन है। अच्छा, ये वाला जो लेआउट है ये दोनों से पहले का है, ये ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स दोनों से पहले वाला लेआउट है ये। वेल, इस लेआउट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, CSS की कुछ बेसिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, इन्होंने काफ़ी अच्छी सी एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, और इस चैप्टर के लास्ट में इस वेबसाइट का कोड भी लिखा हुआ है। वेल, आपको कोशिश ये करना है कि इस वेबसाइट को आप बगैर कोड देखे एंटायरली पूरा खुद से बना सकें। ये जो बुक है, शुरू में इन्होंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है जहाँ से आपको इसके ना एसेट्स वगैरह मिल जाएंगे सारे, जो इसके ये बाइसाइकिल बनी हुई है ना, इसकी फ़ोटो वगैरह, इस वेबसाइट का बल्कि आप नाम भी लिखेंगे ना अगर ये पैडल फास्टर, तो गूगल इमेज पर आपको ये पिक्चर शो हो जाएंगी। जस्ट इन केस अगर मैं पैडल फास्टर लिखूंगा ना जाके, तो इसमें मैं वाइले लिख देता हूँ, वाइले HTML। वेल, इस नाम से नहीं आ रहा, होपफुली जो कोड नीचे लिखा हुआ है ना वहाँ पे इसका जो .jpg के साथ जो नाम लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। अच्छा यार, ये वाला ज़रा लेआउट समझ लेते हैं, ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। जो फ्लैक्स बॉक्स है ये बाद में ऐड की गई है और ये कभी रिमूव भी की जा सकती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो ग्रिड लेआउट है वो भी बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, हो सकता है बाद में वो स्टैंडर्ड बन जाए या उसको रिमूव करके कोई बिल्कुल नया आइटम आ जाए, बट ये बेसिक चीज़ है
ये शुरू से CSS में मौजूद है और इसके रिमूव होने का अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स। CSS treat each HTML element as if it is in its own box. CSS, जैसा कि कई बार ये जिक्र कर चुका है, हर एलिमेंट को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो एक बॉक्स है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो उसके अंदर बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये चल रहा है पूरे HTML के पेज में। दिस बॉक्स विल आइदर बी अ ब्लॉक लेवल बॉक्स और एन इनलाइन बॉक्स। दो ही सिचुएशन हो सकती है उसकी, या तो वो इनलाइन होगा या तो वो ब्लॉक होगा। इनलाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अच्छा, तो ये आपको ना यहाँ पे बना के बता रहा है। ठीक है, बुक में इस पॉइंट पे आके इन्होंने ये बात डिस्कस की है कि इनलाइन और ब्लॉक में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है। तो भाई कुछ इस तरह से अब इनलाइन और ब्लॉक आपको अलग अलग से दिख रहे हैं। कंटेनिंग एलिमेंट्स। इफ वन ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिट्स इनसाइड अनदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट देन द आउटर बॉक्स इज नोन एज कंटेनिंग और पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, कंटेनर, जैसे कि फ्लैक्स बॉक्स में आपको जगह जगह मिल रहा होगा कंटेनर। तो कंटेनर किस चीज़ को कहते हैं? जो बॉक्स अपने अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट लेके बैठा हो वो कंटेनर कहलाता है। अच्छा, इट इज़ कॉमन टू ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स टूगेदर इनसाइड अ डिव एलिमेंट और एनी ब्लॉक लेवल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट ग्रुप टूगेदर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज फ्रॉम द हेडर। कह रहे हैं कि आप इसमें गौर करें, ऑरेंज कलर से इन्होंने डिफाइन किया है कि पहला कंटेनर आपका एक नैव बार है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसा कि लोगो है, और दूसरी साइड पे क्या है, इसके नैव नेविगेशन के आइटम्स हैं। फिर उसके बाद एक बॉडी का इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है जो कि एक कंटेनर है, फिर एक नीचे फूटर का भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से करके जो है क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंटेनर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, उसके अलावा वो डिस्प्ले नहीं हो रहे होते एक्चुअली। ठीक है, ये जो कंटेनर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअली रेंडर नहीं हो रहा होता, बट ये एग्जिस्ट करता है एज अ कंटेनर। ऑन अदर एंड जो H1 है, इनपुट बॉक्स है, बटन्स हैं, ये दीज आर नॉट द कंटेनर्स, ये डिस्प्ले होते हैं एज अ कॉन्टेंट, ये डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि नेस्टेड हो सकते हैं, एक के अंदर एक बॉक्स हो सकता है और ये अंदर कई बॉक्सेस हो सकते हैं, कई कंटेनर एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो पोजीशन वाली प्रॉपर्टी है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे काम होते हैं जो इनके बगैर हो नहीं सकते। ठीक है, लेआउट से ही रिलेटेड होते हैं वो हो नहीं सकते। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी वेबसाइट पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक बलून बना हुआ आ जाए छोटा सा, ठीक है, और आप जितना भी स्क्रॉल करें वेबसाइट को, वो वहाँ से हिले नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहे। ठीक है, या मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इस जगह पे एक जो है ना अलर्ट का मैसेज आ जाए, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे स्क्रीन पे, जब वो अलर्ट का मैसेज अपेयर हो तो मैं स्क्रीन स्क्रॉल करूँ तो वो अपनी जगह पे रहे, वो वहाँ से कहीं और मूव ना करें जब तक उसको क्रॉस नहीं कर देता हूँ। या इसी तरीके से मैं ये चाह सकता हूँ कि मेरी जो स्क्रीन है उसके अंदर किसी ख़ास जगह पे कोई चीज़ हो और वो उसी जगह पे रहे, जब मैं स्क्रॉल करूँ ऊपर नीचे करूँ उसको, तो वो क्या हो, बाकी एलिमेंट्स के साथ ऊपर नीचे ना जाए लेकिन वो उसी जगह पे रहे पेज में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बेहतर इसकी मिसाल दूँ, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ, जैसे कि ये मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे, अगर आपको मेरा कर्सर यहाँ दिख रहा है प्रोजेक्टर पे, एग्जैक्टली इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि एक स्टैम्प का निशान आ जाए, एक क्या आ जाए, स्टैम्प लगी हुई आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट तो HTML में अगर आप एक एलिमेंट रखते हैं और उसके बाद एक और एलिमेंट रखते हैं तो उसका फ्लो क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है। तो अगर मैं स्टैम्प का एलिमेंट इस पर लगाऊंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो तो इस बॉक्स के बाद रेंडर होगा ना, बट मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के ऊपर रेंडर हो। ठीक है, जो किसी ने एक सवाल भी किया था बीच में, तो मैंने कहा पोजीशंस जब डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये काम ना आप इस पोजीशंस के बगैर नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पेज के सेंटर में ना एक लोडर बना हुआ आ जाए, बिल्कुल सेंटर में हो, बाकी एलिमेंट्स अपना सही चल रहे हैं लेकिन वो सेंटर में रहे, और एक उसको ख़ास वक्त तक मैं सेंटर पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें
जो मुझे इसके ज़रिए ही अचीव कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तो कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, सीएसएस हैज़ फॉलोइंग पोजीशन स्कीम्स, ये कुछ नीचे पोजीशंस हैं। अब ये सारी स्कीमें इसके अंदर मौजूद हैं, इसको हमें समझना है एक एक करके। दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द लेआउट ऑफ अ पेज, नॉर्मल फ्लो, रिलेटिव पोजिशनिंग, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। यू स्पेसिफाई द पोजिशनिंग स्कीम यूजिंग द पोजिशन सीएसएस प्रॉपर्टी एंड यू कैन ऑल्सो फ्लोट एलिमेंट यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि भाई कुछ एक नॉर्मल सा फ्लो है जो बाई डिफ़ॉल्ट एक फ्लो होता है, उसके अलावा क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है और फ्लोट वगैरह भी कर सकते हैं आप, किसी आइटम को राइट पे या लेफ्ट पे फ्लोट करवाना हो। वेल, एक एक करके समझते हैं हम। नॉर्मल फ्लो क्या चीज़ है? नॉर्मल फ्लो ये चीज़ है कि जितने भी एलिमेंट आप पेज पे रखते जाएंगे, वो सबसे पहला वाला पहले प्रिंट होगा, उसके बाद वाला एलिमेंट उसके बाद प्रिंट होगा, उसके बाद वाला उसके बाद होगा, ऐसे सीधा सीधा प्रिंट होता जाएगा स्क्रीन पर। अगर कोई इनलाइन एलिमेंट है तो वो क्या होगा, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर रेंडर होगा, उसके बाद आपने एक और इनलाइन लगा दिया तो वो राइट साइड पर रेंडर होगा, ऐसे वो जब स्क्रीन में जगह ख़त्म हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फ्लो जो शुरू में जब कोई भी सीएसएस नहीं होती तो ये फ्लो होता है। एक है रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजिशन क्या चीज़ है? दिस मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द पोजिशन इट वुड बी इन नॉर्मल फ्लो। कह रहा है कि जो उस एलिमेंट की जगह होती ना, जिस जगह पे उसको होना था, किसमें, नॉर्मल फ्लो में, उससे वो मूव कर जाता है। कितना मूव करता है वो हम बताते हैं। शिफ्टिंग टू द टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और वेयर इट वुड हैव बीन प्लेस्ड। कह रहा है कि हम उस खास पोजीशन से जहाँ भी उसको मूव करवाना चाहें हम करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा उसकी तारें कहाँ से जुड़ी हुई होंगी, जहाँ वो एक्चुअली मौजूद होना चाहिए था नॉर्मल फ्लो में, वहाँ से उसकी तारें हमेशा जुड़ी रहेंगी। मिसाल के तौर पे अगर वो एलिमेंट किसी वजह से नीचे चला जाता है तो वो कहीं भी होगा ना तो उतना ही नीचे वो भी जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई कंडीशनली रेंडर होती है कोई चीज़ उससे पहले तो नीचे जाएगा वो, या कोई चीज़ ऊपर से गायब हो जाती है तो वो ऊपर आ जाएगा। तो जहाँ पर भी मौजूद होगा वो अकॉर्डिंगली मूव करेगा, उसकी तारें ऐसे समझो जुड़ी हुई हैं उसके साथ। तो खैर, तो ये एक हो गया भाई रिलेटिव पोजिशनिंग हमारे पास। अच्छा, रिलेटिव इन्होंने छोटी छोटी एग्जांपल भी साथ में दिखाई हुई है। मिसाल के तौर पे ये जो पैराग्राफ दरमियान वाला है, इसको नॉर्मल फ्लो में किधर होना चाहिए था, इस जगह पे होना चाहिए था। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको राइट पे मूव किया है, थोड़ा सा नीचे भी किया है, बॉटम की तरफ भी मूव किया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा बॉटम पर यह मूव हुआ है। अभी एक्चुअली प्रॉपर्टी लगती कैसे है वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, सी एस एस का वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर। एक है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है? दिस पोजीशंस द एलिमेंट इन रिलेशन टू इट्स कंटेनिंग एलिमेंट, इट इज़ टेकन आउट ऑफ अ नॉर्मल फ्लो, मीनिंग दैट इट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एनी अदर सराउंडिंग एलिमेंट्स। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है कि अपने कंटेनर के हिसाब से पोजीशनिंग होती है उसकी। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी एग्जाम्पल में, ये जो ऑरेंज लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि इसने शुरू में ही बता दिया था कि ऑरेंज लाइन क्या है, कंटेनर है। एक वेबसाइट थी उसमें तीन कंटेनर बने हुए थे। तो जैसे ही इस आइटम को इन्होंने एब्सोल्यूट डिक्लेयर किया सीएसएस के ज़रिए, तो नॉर्मल फ्लो से ये बाहर आ गया। अच्छा, उससे हुआ ये कि जो बाकी एलिमेंट्स थे ना उसके दरमियान में ये कोई जगह नहीं ले रहा है। आप नोट कीजिए, इससे पहले वाली एग्जांपल में यहाँ पे ये लॉरल इप्सम जो लिखा हुआ था ये एक जगह ले रहा था एक फ्लो के अंदर, लेकिन अगली एग्जांपल में जो कि ये वाली है इसके अंदर लॉरल इप्सम ने कोई जगह कैप्चर ही नहीं की, तो जो पैराग्राफ था वो डायरेक्ट टॉप से शुरू हुआ। ठीक है, लॉरल इप्सम बिल्कुल नॉर्मल फ्लो से बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा, बाहर आने के बाद ये किधर चला गया? ये चला गया है अपने कंटेनर के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप इसको इमेजिन करें कि एक लेयर नॉर्मल फ्लो की चल रही है, ये नॉर्मल फ्लो से अब ऊपर आ गया, अबव हो गया, और ये भी ये साथ साथ चल रहा है। अब ये ओवरलैप कर सकता है अपने दूसरे चिल्ड्रंस को या जो भी उसके अंदर मौजूद है। वेल, अब मैं इसको पोजीशन कैसे बताऊंगा? मैं इसको बताऊंगा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, पोजीशन एलिमेंट मूव एज यूजर स्क्रॉल अप एंड डाउन इन द पेज। अब मैं इसको पोजीशन बताऊंगा इसके कंटेनर के हिसाब से। मैं बोलूँगा भाई अपने कंटेनर में तुम किधर चले जाओ, 0x0 पे चले जाओ। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा टॉप
लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है। या मैं उसको बोलूँगा कि यार कोई भी मैं पोजीशन बता सकता हूँ इसको, ठीक है। अभी हम वो देख लेंगे थोड़ी देर में कि वो कैसे हम बताते हैं पोजीशन, एब्सोल्यूट में कैसे बताते हैं, रिलेटिव में कैसे बताते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम अगले पे, इसमें अगला क्या है, अच्छा एक हाँ फिक्स आ गया ना ये। अच्छा एक है फिक्स पोजिशनिंग। फिक्स पोजिशनिंग क्या करता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोजिशनिंग दैट पोजिशन द एलिमेंट इन द रिलेशन ऑफ ब्राउजर विंडो। अच्छा एब्सोल्यूट में क्या हुआ था, ये अपने कंटेनर से निकल के कहाँ चला गया था, सॉरी अपने नॉर्मल फ्लो से निकल के अपने कंटेनर में चला गया था, कंटेनर के छत से जाके लग गया था ये ऑटोमेटिक। फिर हमें हमसे पूछ रहा था कि बताओ कहाँ जाना है। फिक्स पोजिशन में क्या होगा, ये अपने कंटेनर से भी बाहर आ जाएगा और ये ब्राउजर विंडो पे वही चीज़ सेम चीज़ एक्ट कर रहा होगा जो कंटेनर पे करना चाहिए था इसको, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको बोलूँगा कि क्या हो जाओ तुम, पोजीशन फिक्स हो जाओ और तुम चले जाओ 0.0 पे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ब्राउजर की विंडो में टॉप लेफ्ट पे चला जाएगा ये, वो भी हम देखते हैं कि वो लगाते कैसे, ठीक है। तो काफ़ी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है, मेक सेंस है काफ़ी, इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है जी। वो वहीं रहेगा, नहीं वो कहीं नहीं जाएगा, वहाँ से वहीं पर रहेगा, ठीक है। ऑन अदर एंड जो क्योंकि कंटेनर नहीं मूव कर रहा ना इसका, इसका कंटेनर अब कौन बन चुका है, ब्राउजर की विंडो बन चुकी है। अगर ब्राउजर की विंडो मूव करेगी ना, मिसाल के तौर पर ब्राउजर की विंडो कब मूव करेगी, जब अपने लैपटॉप उठा के कहीं लेके जाएंगे, तो ये उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला जो था, जो अपने कंटेनर में जो छत से जाके लग गया था, इसमें इस कंटेनर के मूव करने पे ये करेगा। मिसाल के तौर पे कोई एलिमेंट इस कंटेनर से पहले अगर रेंडर होता है तो ये कंटेनर नीचे जाएगा ऑफ कोर्स, तो वो कंटेनर के अंदर ही रहेगा लेकिन वो नीचे हो जाएगा। और अगर मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा तो जाहिर है वो कंटेनर ऊपर नीचे होगा, तो ये भी साथ साथ ऊपर नीचे होगा उसके, ठीक है। फिक्स वाला ऑन अदर एंड, अगर मुझे चैट का कोई बबल लगाना है तो वो मैं किससे लगाऊंगा, फिक्स वाले से। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि बॉटम राइट पे उन्होंने क्या किया हुआ होता है, एक छोटा सा बलून आ रहा होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो चैट का बॉक्स खुल जाता है, तो वो पूरा चैट का बॉक्स और वो बलून वो सारा फिक्स होता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक है फ्लोटिंग एलिमेंट। अब ये सारे हमने देख लिए, एक था नॉर्मल फ्लो, फिर नॉर्मल फ्लो से क्या हुआ, रिलेटिव हो गया, मतलब नॉर्मल फ्लो में जगह लेगा लेकिन थोड़ा आगे या पीछे हो जाएगा। फिर एक हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट आ गया, फिर एब्सोल्यूट क्या होता है, अपने कंटेनर के अंदर वो आज़ाद हो जाता है, कहीं भी उसको ले जा सकता हूँ मैं। फिर आ गया फिक्स, फिक्स अब अपने कंटेनर से भी बाहर आ जाता है, ब्राउजर के विंडो में पूरा आज़ाद हो जाता है, कहीं भी ले जा सकता हूँ और वो वहीं पर रहेगा। उसके बाद एक आ गया बिल्कुल आखिरी आइटम और सबसे ख़तरनाक आइटम, फ्लोटिंग एलिमेंट। ये फ्लोट करता है, ठीक है। ये फ्लोट कैसे करता है, या तो पूरा राइट पर चला जाएगा या तो पूरा लेफ्ट पर चला जाएगा। जैसे शतरंज के गेम में एक आपके पास तोप होती है जो पूरे राइट कोने तक और लेफ्ट तक जाती है, ये उस तरह की एलिमेंट की चीज़ है। अच्छा इसको ज़रा पढ़ते हैं। फ्लोटिंग एलिमेंट्स आर अलाउड यू टू टेक दैट एलिमेंट आउट ऑफ नॉर्मल फ्लो एंड पोजिशन इट द फार लेफ्ट और फार राइट ऑफ अ बॉक्स। द फ्लोटेड एलिमेंट बिकम्स अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट अराउंड विच अदर कॉन्टेंट कैन नॉट फ्लो। अच्छा इन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी आइटम है ना, उसको अगर मैं बोलता हूँ कि फ्लोट लेफ्ट, तो वो फ्लोट हो गया ना लेफ्ट पे चला जाएगा अपने उस पूरे एक्सेस के अंदर, ठीक है। और जो फ्लोटिंग एलिमेंट होता है वो इन्होंने लिखा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाता है, तो वो अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है फ्लोट, वैसे आप बहुत कम लगाते हैं, ज़्यादातर इसमें फ्लेक्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जो ऊपर वाले हैं, जैसे फिक्स पोजीशनिंग है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है, इसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन फ्लोटिंग एलिमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग एलिमेंट के साथ साथ बहुत सारे ओवरकम मतलब बहुत सारे ओवरहेड्स आते हैं। मिसाल के तौर पे इसको क्लियर करना पड़ता है फ्लोट को, ठीक है, वो भी आ भी जाएगा इसमें कि फ्लोट को आपको हमेशा जब भी लगाएंगे क्लियर करना पड़ता है जी। दोस्त हाँ नैव, उसको फिक्स कर दो, नैव बार को फिक्स पोजीशनिंग कर दो, जो पूरा कंटेनर है ना नैव बार का उसको फिक्स बोल दो, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम जितना भी स्क्रॉल करो वहीं खड़ा रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा तो अब सबसे पहला जो है नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल फ्लो हम लगाते नहीं है, पहले से लगा हुआ होता है,
तो हमें उसके लिए लिखना पड़ता है पोजिशन स्टेटिक, ठीक है। इसको इन्होंने बताया हुआ इसलिए कि हो सकता है कोई एलिमेंट रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट हो, उसको मैं वापस नॉर्मल फ्लो में लाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं ये लगाऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, पोजीशन जब मैं रिलेटिव देता हूँ, रिलेटिव पोजीशन में एलिमेंट कहाँ चला जाता है? अभी भी पढ़ा है हमने, रिलेटिव पोजीशन में जगह कैप्चर करता है वो नॉर्मल फ्लो के अंदर ही, लेकिन वहाँ से राइट या लेफ्ट मूव हो सकता है। तो मैं क्या बताऊंगा इसको? टॉप बताऊंगा और लेफ्ट बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया टॉप 10 पिक्सल और लेफ्ट 100 पिक्सल, तो इससे क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ऑफसेट, ये मैं क्या बता रहा हूँ ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है फासला ले लो थोड़ा, ठीक है। तो मैंने बताया टॉप से आप ऑफसेट ले लो 10 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट से आप ऑफसेट ले लो 100 पिक्सल। तो लेफ्ट से ये ना 100% दूर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं वापस जाके दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये वाला, तो आप देखें ये लेफ्ट से ना 100 पिक्सल दूर हो गया और टॉप से भी कुछ 20-30 पिक्सल ऊपर नीचे ये हुआ हुआ। अच्छा जी, मार्जिन देके भी कर सकते हैं ऑफकोर्स। इससे करने का फ़ायदा ये है कि जो जो रिज़ल्ट इससे अचीव हुआ है ना, ये चीज़ मार्जिन से अचीव नहीं हो सकता। सब लोग एग्री करेंगे इससे? नहीं नहीं, ये चीज़ अचीव ही नहीं हो सकती मार्जिन से। देखो समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर टॉप से अभी मैंने दिया हुआ है 20 पिक्सल, मैं टॉप से उसको दूंगा 40 पिक्सल, तो ये क्या होगा? ये और नीचे आएगा और ये नीचे वाले पैराग्राफ पे ना ओवरलैप करेगा, ये नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, यूँ हो जाएगा। ऑन अदर हैंड अगर मैं मार्जिन से उसको नीचे करूँगा तो वो क्या करेगा? वो बॉक्स एक्चुअली बड़ा होता चला जाएगा और वो नीचे वाले बॉक्स को नीचे धकेलेगा, उसके ऊपर ओवरलैप कभी भी नहीं करेगा। तो ये वाला रिजल्ट जो मुझे चाहिए होता है कभी कभी, ठीक है, कुछ जगहों पर चाहिए हो सकता है। जैसे आपने इनके ही डॉक्यूमेंट के अंदर ही देखा होगा आपने कि कुछ चीज़ें ओवरलैप कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे आप ये देख रहे हैं HTML लिखा हुआ है, जो ये ओवरलैप हुआ हुआ है बैकग्राउंड में जो बॉक्स है उसके ऊपर। वैसे तो ये HTML में नहीं बनी हुई बुक, ये मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखी होगी, लेकिन जस्ट इस तरह का अगर मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट और ये जो CSS लिखा हुआ है ये ओवरलैप हुआ हुआ है किस पे? अपने बॉक्स पीछे कुछ है उसके ऊपर। तो ये चीज़ इसी तरह अचीव हो सकती है पोजिशन क्या करके? रिलेटिव करके, किसी भी बॉक्स पे लग सकता है, ठीक है, किसी भी बॉक्स पे लग सकता है और हर चीज़ एक बॉक्स है। मिसाल के तौर पे कोई H1 है उस पर भी लग सकता है क्योंकि वो भी बॉक्स है। अच्छा, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में भी क्या है? ऑफसेट हम बताते हैं, जाहिर है एब्सोल्यूट में क्या हो जाता है? एलिमेंट किधर चला जाता है? अपने कंटेनर के अंदर आज़ाद हो जाता है। तो अब कंटेनर के अंदर मैं उसको क्या बोलता हूँ? टॉप से 0 पिक्सल हो जाओ, सही है, ऑफसेट ले लो। टॉप से 0 पिक्सल ऑफसेट बोलूँगा तो क्या मतलब है इसका? वो छत से जाके चपक जाएगा, ठीक है, अपने कंटेनर की छत से चपक जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है टॉप से आपको क्या करना है? 0 पिक्सल, कोई डिस्टेंस नहीं लेना, 0 पिक्सल होना चाहिए। वो सबसे पहले टॉप पे चपक गया, फिर मैंने कहा लेफ्ट से आप ले लो 500 पिक्सल, तो लेफ्ट से वो 500 पिक्सल दूर हो जाएगा। उसके बाद विड्थ मैंने उसको कहा 250, अब लेफ्ट से वो 500 पिक्सल दूर होने के बाद आगे जितना भी उसको जगह मिलेगी उसमें 250 पिक्सल वो जगह ले लेगा। देखते हैं नीचे रिजल्ट कैसा आया है इसका, ठीक है। नीचे रिजल्ट जो है कुछ इस तरह का आया है, द बाईसाइकिल जो लिखा हुआ है ना ये वाला, ये इस तरह की चीज़ आई है। असल में थोड़ा स्क्रॉल हुआ हुआ पेज दिखा रहे हैं ये, तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आया है। एक हेडिंग थी वो नॉर्मल फ्लो से बाहर आई है, वो अपने कंटेनर के अंदर आज़ाद घूम रही है और मैंने उसको कहा कि किधर से कितना ऑफसेट लेना है, वो अकॉर्डिंगली उसने ले लिया। अच्छा, और आगे चलते हैं भाई, फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन क्या होता है? वो पूरे फ्लो से बाहर आता है, अपने कंटेनर से भी बाहर आ जाता है और ब्राउज़र के विंडो में आज़ाद हो जाता है, ठीक है। अब हम जो उसको बताएंगे कि भाई आप क्या कर लो, टॉप से क्या कर लो, 0 पिक्सल ले लो डिस्टेंस, तो वो ब्राउज़र की विंडो में टॉप पे जाके चिपक जाएगा क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं रखना उसको। लेफ्ट से मैंने कहा 50 ले लो, तो लेफ़्ट से यानी कि इस वाली साइड से स्क्रीन के वो 50 पिक्सल थोड़ा इधर हो जाएगा। बस यही बताया इसने, नीचे तो पैडिंग विर्थ वगैरह ये सब बताया हुआ है।
वेल देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है, कुछ इस तरह का है। अब आप नोट कीजिए जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये स्क्रॉल कर रहा है लेकिन वो हेडिंग अपनी जगह से मूव नहीं करती, नोट कर रहे हो? ये जो रिजल्ट इन्होंने दिखाया हुआ है इसमें एक्चुअली पेज स्क्रॉल हुआ हुआ है थोड़ा सा, बट ये हेडिंग अपनी जगह पे फिक्स है क्योंकि इसकी पोजीशन क्या डिक्लेयर हो चुकी है, फिक्स। फिक्स पोजीशन वाला जो होता है अपने ब्राउजर के विंडो में आज़ाद घूम रहा होता है, ठीक है, हम उसको टॉप लेफ्ट बॉटम बता के कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा, ओवरलैपिंग एलिमेंट, जैसा कि मैंने ये जिक्र कर दिया पहले ही कि रिलेटिव पोजीशन में या फिक्स पोजीशन में वो जाहिर है जब नॉर्मल फ्लो से बाहर आके खड़ा हो गया तो ओवरलैप तो करेगा ना वो दूसरे एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ओवरलैपिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं वापस पुरानी एग्जांपल में आ जाता हूँ, मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ द एवोल्यूशन ऑफ बाईसाइकिल लिखा हुआ है इसके अंदर, ये तमाम टेक्स्ट के ऊपर है, टेक्स्ट इसके नीचे से जा रहा है, ठीक है, ऐसा ही है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब इमेज आएगी ना, जब कोई इमेज आए तो इमेज इस हेडिंग के पीछे से नहीं बल्कि इसके ऊपर से गुजरे, यानी इमेज जब स्क्रॉल करूँ फुल स्क्रीन पे एक इमेज आने वाली है नीचे, ठीक है, मुझे पता है आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि जब वो इमेज आए ना तो हेडिंग के ऊपर आए, वो हेडिंग के नीचे मतलब नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वो ना जाए, तो ये ओवरलैपिंग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके लिए क्या चीज़ है, जेड इंडेक्स भी बोलते हैं इसको या जी इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जेड की दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। अच्छा, तो जेड इंडेक्स जो है आपका वो जितना ज़्यादा होगा आपका एलिमेंट उतना ऊपर होगा, ठीक है। जेड एलिमेंट, जेड इंडेक्स जो है बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़ीरो होता है सबका, नॉर्मल फ्लो जो होता है उसका जेड इंडेक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है बाई डिफ़ॉल्ट। तो आप मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जेड इंडेक्स 10, तो जेड इंडेक्स 10 इन्होंने जैसे ही बोला तो आप नोट कीजिए कि ये इन्होंने क्या किया यार, अच्छा ये रिजल्ट विदाउट जेड इंडेक्स है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये नीचे कैसे चला गया। वेल, तो ये ऐसा बता रहे हैं कि भाई जब ना इन्होंने जेड इंडेक्स नहीं दिया हुआ था तो क्या हो रहा था, जो टेक्स्ट है वो ऊपर से जा रहा था, ठीक है, वैसे तो ऊपर से जाना नहीं चाहिए लेकिन ये दिखा रहे हैं, जब इन्होंने जेड इंडेक्स इसका बढ़ा दिया, किसका जेड इंडेक्स बढ़ाया, H1 की हेडिंग का, तो H1 की हेडिंग ऊपर आ गई, टेक्स्ट नीचे चला गया, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि लेयर्स की तरह बन जाता है ये अपने फ्लो से जब बाहर आता है तो। अच्छा, फिर इसी तरीके से मेरे पास 4-5 स्क्रॉलिंग एलिमेंट हैं जो स्क्रॉल होते हैं मेरे पेज के ऊपर से, तो मैं उनको एक तरतीब से उसका जेड इंडेक्स रखना चाहता हूँ, तो मैं हर किसी को क्या करता हूँ, जेड इंडेक्स एक तरतीब से दे सकता हूँ ईजिली, इसकी बावजूद इसके कि ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसकी इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए उसके वहाँ पे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता आपके पास, इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इसी से करना होता है। अच्छा भाई, अच्छा फ्लोटिंग एलिमेंट जो वो बहुत ही आसान है, फ्लोटिंग एलिमेंट में आप बोलते हैं फ्लोट राइट फ्लोट लेफ्ट और ये उस तरफ फ्लोट होके चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आइटम है जो फ्लोट हुआ है राइट की तरफ, अच्छा फ्लोटिंग एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो आप नोट करें कि फ्लेक्सिबल बॉक्सेस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है, यही काम अगर आपको फ्लेक्सिबल बॉक्सेस में करना होगा तो उसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते, होगा ये काम उसमें भी ऑफकोर्स, ऐसा नहीं है कि उसमें हो नहीं सकता, उसमें भी होगा लेकिन उसमें इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से होगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सबसे पहले HTML के अंदर एक हेडिंग है H1 जो कि अपनी जगह पे नज़र आ रही है, उसके बाद एक ब्लॉक कोट है, ठीक है, एक अदद उसके बाद क्या है ब्लॉक कोट, अच्छा ब्लॉक कोट के बाद एक अदद पैराग्राफ है, ठीक है, ये तीन एलिमेंट इस तरतीब से मौजूद हैं। इन्होंने CSS में क्या लिखा है, सबसे पहले बोला है ब्लॉक कोड को ना एक विर्थ इन्होंने असाइन की हुई है कि भाई आपकी जो विर्थ है वो क्या है 275 पिक्सल ही आपकी विर्थ है। अच्छा ब्लॉक कोड कौन बताएगा कि ब्लॉक लेवल है बाय डिफ़ॉल्ट या इनलाइन, इनलाइन होगा क्या,
वेल तो इन्होंने एक विर्थ बता दी इसकी कि 250 पिक्सल है। अच्छा फिर इसने कहा भाई फॉन्ट साइज आपका कुछ ना कुछ बता दिया, फॉन्ट स्टाइल बता दिया। अच्छा और आप नोट करें कि ये ना फ्लोट होके तैर के उस तरफ चले गए और बाकी जो जगह बची हुई थी, जैसे मछली पानी में जब घूमती है तो जितनी जगह पे मछली होती है वहाँ पे पानी नहीं होता, ऐसे ही है ना, मछली की बॉडी जिस जगह पे होती है वहाँ तो पानी नहीं होता। अब मछली जैसे ही वहाँ से मूव करती है ना तो वहाँ पे पानी आ जाता है, लेकिन जहाँ वो जाती है वहाँ से पानी गायब हो जाता है। तो आप नोट करें एक ऐसा फील हो रहा है कि एक एक्वेरियम है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत सारा और उसमें ये मछली की तरह तैर के एक साइड पर चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। वेल तो ये कोई ज़्यादा अब इसके अंदर समझने वाली और चीज़ नहीं है, ये करके देखेंगे आप तो आपको इसका बिहेवियर अच्छे से पता चलेगा। अच्छा फ्लोट की एक एग्जांपल और भी इन्होंने बताई हुई है कि किसी चीज़ को साइड बाय साइड दिखाना हो तो उसके लिए भी फ्लोट का इस्तेमाल हो सकता है। ये काम फ्लैक्स बॉक्स से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो उससे भी ये काम किया जा सकता है, इससे भी हो सकता है। अच्छा क्लियर करना ज़रूरी है फ्लोट को, अदरवाइज ही क्या होता है आगे आने वाले एलिमेंट्स पर क्या करता है, ये अपना थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाता है और थोड़ा सा जो है ना उसको छेड़छाड़ करता है। तो आपको क्या करना होता है कि फ्लोट जिस चीज़ पे भी आपने लगाया है उसके बाद वाला जो एलिमेंट होता है उस पर आपको फ्लोट क्लियर करके ये क्लास लगानी होती है, इससे ये फ्लोट क्या होता है क्लियर हो जाता है। ओके अब ये फ्लोटिंग एलिमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम है वो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है। वेल फ्लोटिंग एलिमेंट कोशिश करें कि उसको आपको ना यूज़ करना पड़े, फ्लैक्स बॉक्स से ये काम करें आप, जस्टिफाई कॉन्टेंट से बहुत आराम से ये काम हो जाता है, ठीक है। इवन दो कि अगर आपके पास उस बॉक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है बाई डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट से शुरू होती है, आप उसको राइट से शुरू करवा दें तो वो आइटम उठ के लेफ्ट पे चला जाए और राइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैक्स बॉक्स से काम करें, कोशिश करें कि फ्लोट को यूज़ ना करना पड़े। अच्छा भाई ये इन्होंने एक लेआउट बनाकर दिखाया है, किस चीज़ से, फ्लोट से बनाकर दिखाया है। हम ये सेम लेआउट बना चुके हैं ऑलरेडी फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए, उसका कोड भी आप सब लोगों को शेयर कर दिया गया था। तो अगर आप चाहें तो इस एग्जांपल को भी अपने हाथ से बना के देख सकते हैं। इसमें जस्ट फ्लोट को इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया है, एक बॉक्स को राइट पर भेजा हुआ है जो कि साइड मेन्यू की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। अब ये स्क्रीन साइजेस की ज़रा कुछ बात कर रहे हैं, अच्छा स्क्रीन साइजेस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जो गूगल क्रोम के डेव टूल्स के अंदर हमने एक मोबाइल टेस्टिंग का जो पेज खोला था उसमें उन्होंने जो मोस्ट कॉमन मोबाइल के साइजेस हैं और मोस्ट कॉमन लैपटॉप के साइजेस हैं वो हमें प्री डिफाइन किए हुए हैं, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ पेज के साइजेस की ये बात कर रहे हैं कि भाई A4 साइज़ का जो पेज है वो कितने का होता है। अच्छा यहाँ पे जो इन्होंने ये डिटेल बताई है ना कि एक स्क्रीन जो है वो 1000 पिक्सल वाइड होती है और 570 पिक्सल उसकी हाइट होती है, ये डिटेल अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है, सही है। ये डिटेल इस वक्त आउट ऑफ डेट इस वजह से हो चुकी है क्योंकि अब स्क्रीन की ना मज़ीद वेराइटीज़ आ गई हैं। अब आम तौर पर जो एक स्क्रीन होती है वो 1400 पिक्सल की भी हो सकती है, ठीक है, अगर 4K डिस्प्ले है। मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं अपने वाले का चेक करूँ तो मेरे पास 1440 है इसकी विड्थ, ठीक है, मुझे पता है, तो मेरे पास 1440 इसकी विड्थ है। तो ये 1000 पिक्सल वाला जो है ना ये थोड़ा सा आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो हम आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं, हम पूरी स्क्रीन को यूटिलाइज़ करते हैं या तो कुछ, अभी भी कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो 1000 पिक्सल पर लिमिट करती हैं अपनी स्क्रीन को। अब 1000 पिक्सल के अलावा जो अगर स्पेस मौजूद है स्क्रीन पर तो दोनों साइडों पे ना खाली पट्टा दिख रहा होता है। जैसे फेसबुक इसकी बेहतरीन मिसाल है कि फेसबुक के अगर पेज पे आप जाके जूम आउट करेंगे ना तो वो 1000 पिक्सल या 1200 पिक्सल से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करता। आप जूम आउट करेंगे तो वो दोनों साइडों पर स्पेस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उनका जो नैव बार है वो लेकिन 100% पे आता है, जो उनका नैव बार है वो पूरी विड्थ ले रहा होता है, बल्कि हम इसको खोल के शायद अगर देख पाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये एक टिपिकल पेज है फेसबुक का। तो आप नोट करें कि मेरे पास ये मैंने ज़ीरो कर दिया है,
मतलब जो जूम लेवल है मैंने वो 100% कर दिया, जीरो पे कर दिया। तो आप नोट करें क्योंकि ये 1000 पिक्सल इस्तेमाल कर रहा है तो दोनों साइडों पे क्या आ रहा है, एम्प्टी स्पेसेस जो है ना बिल्डअप हो रहे हैं। वेल इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो 100% स्क्रीन को भी यूटिलाइज कर रहा है। अब मैं इसको जूम आउट करना शुरू करता हूँ, ठीक है, ये 30% जब जूम लेवल हो जाता है तो ये इस तरह का हो जाता है। इसके अंदर जो इसका नेव बार है वो 100% स्क्रीन का हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और बाकी जो हिस्सा है इसका उसको इन्होंने 1000 पे लिमिट किया हुआ है। अच्छा, ऑन अदर एंड अगर मैं इसको जूम इन करूँ, ठीक है, जैसे ही आप नोट करें मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है तो ये स्क्रीन थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है, जो साइड पे इमेज थी वो बीच में आ गई है और नीचे के मेन्यूज़ भी कुछ, ये देखो ये मेन्यू दो कॉलम में चल रहा है अभी, जैसे ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन करता हूँ ये सिंगल कॉलम में हो जाता है सारा कुछ, ठीक है। अब ये सिंगल कॉलम से कहीं नहीं जाता, अब जितना भी छोटा करूँगा ये सिंगल पे ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने फुल जूम कर दिया है 300%, इससे ज़्यादा ये शायद, हाँ नहीं इससे ज़्यादा भी जा रहा है, तो ये पूरा तबाह हो गया। 300 तक तो शायद ये सही चल रहा है लेकिन 300 के बाद ये तबाह हो जाएगा बिल्कुल ही। वेल, तो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप कितनी बड़ी स्क्रीन को यूटिलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने शुरू में एक बार और डिस्कस की थी कि अब जो वेबसाइट बनती है लैपटॉप के लिए वो लैपटॉप और टीवी वगैरह को सपोर्ट करते हैं एक वेबसाइट पे, और टैबलेट की अगर बात आती है तो टैबलेट को और मोबाइल्स को इसके लिए अलग वेबसाइट आमतौर पर बनाते हैं, ठीक है। इवन के अगर आप फेसबुक को या ट्विटर को खोलते हैं अपने टैबलेट पर तो वो मोबाइल वाला ही वर्जन आपको ओपन करके दिखाता है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो कोई इम्यूलेटर आप डाउनलोड कर लें अपनी मशीन में, उसमें आप जब चलाएंगे, जैसे ब्लू स्टैक करके इम्यूलेटर है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ भी एंड्रॉयड का एक इम्यूलेटर मिलता है आपको, तो उसमें जब आप फेसबुक ओपन करेंगे या कोई भी साइट ओपन करेंगे ब्राउज़र में जाके तो वो आपको मोबाइल वाली ही वेबसाइट दिखाएगा, बावजूद इसके कि उसका स्क्रीन साइज़ टैबलेट का अच्छा खासा बड़ा होता है, 6 इंच के 7 इंच के टैबलेट भी होते हैं। वेल, अब जो है ना ये कुछ 2-3 तरह के मुख्तलिफ लेआउट हैं जिनकी ये बात करेगा। एक है फिक्स विर्थ लेआउट। अच्छा, फिक्स विर्थ लेआउट में क्या होता है कि आपके जो लेआउट की ना विर्थ आपको एग्जैक्टली पता होती है कि क्या है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप पिक्सल पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि आपको ये बात पता है कि मेरे वेबसाइट की जो विर्थ है वो क्या है, वो 1000 पिक्सल है। अब मिसाल के तौर पे आप कोई एलिमेंट सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इस तरफ से 500 पिक्सल दे देंगे उसको, इस तरफ से 500 पिक्सल मार्जिन दे देंगे, ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगा। या बटन की विर्थ अगर 100 पिक्सल है, वो हटा देता हूँ मैं, तो कितने बचे, 200 इधर 200 इधर, या बल्कि 250 इधर 200, 500 में से माइनस करो, सॉरी 1000 में से माइनस करो 100 पिक्सल, 900 बने ना। अब 900 को मैं आधा करूँगा, इस तरफ दे दूँगा आधा, इस तरफ दे दूँगा तो ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। या मिसाल के तौर पे किसी आइटम को मुझे जैसे गैलरी दिखानी है मुझे, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि 1000 पिक्सल मेरे पास चूँकि चौड़ाई मौजूद है, तो मैं अगर 200 पिक्सल डिवाइड करता हूँ एक पिक्चर के ऊपर गैलरी में, तो मेरे पास 5 पिक्चर ऐसे आ जाएंगी सीधी सीधी। तो मुझे पता है हर लाइन में 5 पिक्चर ही आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी ना इससे कम आएंगी। किसी भी स्क्रीन साइज़ पे खोलोगे वो उसी तरह से खुलेगी क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया शुरू में, मैंने कहा बॉडी की विर्थ क्या है 1000 पिक्सल, ख़त्म बात, कोई दूसरी बात नहीं होगी। अभी तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कह रहे हैं कि आपके ना दोनों साइडों पे बड़ा बड़ा गैप आएगा, अगर आपका जैसे 1440 वाले पे जब मैंने खोला फेसबुक को तो दोनों साइडों पे अच्छा खासा गैप आ रहा था, ठीक है, तो कह रहे हैं गैप आएगा। और भी कुछ इसके डाउन साइड्स हैं, ठीक है, तो ये इन्होंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखे हुए हैं। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से कि दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब एक है लिक्विड लेआउट। लिक्विड लेआउट को आजकल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, फिक्स को भी इस्तेमाल नहीं करते, लिक्विड को भी नहीं करते। अच्छा, लिक्विड लेआउट क्या होता है कि आपकी स्क्रीन का साइज़ जितना भी होगा ना, वो जैसे पानी होता है जब आप उसको किसी भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप का हो जाता है। अगर ग्लास गोल है तो पानी को कोई मसला नहीं है, पानी जाएगा वो भी गोल हो जाएगा। अगर उसी तरह जमा दें तो बर्फ़ गोल जमेगा। अगर ग्लास आपका चकोर है
तो पानी उसमें जाके चकोर हो जाता है, उसी तरह आप उसको फ्रीज कर दें तो चकोर बर्फ बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, कि कितना लिक्विड है कुछ, कितना वो है। तो इसके अंदर इन्होंने बोला लिक्विड लेआउट के अंदर, जो उस टाइम पे जब बुक लिखी गई थी उस टाइम पे ये हुआ करता था, कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये स्ट्रेच करेगा और स्क्रीन में जितनी भी चौड़ाई मौजूद होगी सब पे जगह ले लेगा, और अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को भी क्या करेगा, ये फैला देगा, जितनी भी जगह मिलेगी सब पे फैला देगा। अच्छा, जैसे कि ये एक लिक्विड लेआउट में पैराग्राफ है मेरे पास, अगर मैं इस स्क्रीन की चौड़ाई को इंक्रीज करता हूँ या ये ज़्यादा विड्थ वाली स्क्रीन पे जब खुलेगा तो होगा क्या, कि ये पैराग्राफ क्या होगा, खिंच के बड़ा हो जाएगा, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अभी ये 5 लाइन में लिखा हुआ है, जाहिर है जब ये खिंच के बड़ा होगा तो ये 4 लाइन में हो जाएगा, 3 लाइन में हो जाएगा, 2 लाइन में हो जाएगा, हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आए कि बिल्कुल ही 1 लाइन में हो जाए पूरा पैराग्राफ। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड लेआउट। अच्छा, अगर मैं इसकी विड्थ को छोटा करूँगा, अगर मैं इसकी विड्थ को छोटा करूँगा तो ये पैराग्राफ भी साथ साथ छोटा होगा, ठीक है, और एक पॉइंट आएगा कि शायद ये बिल्कुल ही छोटा हो जाए, फिर ये जो साइड में जो 4 डब्बे बने हुए हैं ये इसके नीचे आ जाएंगे फुड़क करके, ठीक है, उसके नीचे आ जाएंगे ये। तो इस तरह से जो आइटम है ना वो लिक्विड होते हैं, इसके अंदर कोई भी आइटम जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, बट ये वाली स्ट्रेटेजी अब हम इख्तियार नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। अच्छा देखें, उस वक्त ना लिक्विड लेआउट जब आया था, जिस वक्त जब ये CSS3 वगैरह का दौर जब चल रहा था, उस वक्त जो स्क्रीन के जो साइजेस होते थे ना मॉनिटर्स, ये वाले ये स्क्वायर होते थे सारे, ठीक है, और सबका जो रेजोल्यूशन होता था ना वो एक जैसा ही होता था, मतलब कंप्यूटर होता ही बहुत कम लोगों के पास था, मतलब मैं जब मैट्रिक में था तो उस वक्त मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, मतलब चाहिए था हम लोगों को बहुत, लेकिन घर वालों ने लेके ही नहीं दिया कि वो गेम खेलेगा पूरे दिन बैठ के, और खेलते भी थे जो बात है सच। तो जब 2011 में मैट्रिक किया मैंने, तो उस वक्त तक मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, और उस वक्त कंप्यूटर एक महंगा आइटम समझा जाता था। ये बुक उससे भी पहले की है, 2009 में गालबन ये पब्लिश हुई है, और सबसे अच्छी बुक अभी तक की यही है, इस वजह से हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, इससे अच्छी बुक अभी तक कोई मौजूद नहीं है मार्केट में CSS और HTML दोनों को लेकर। अच्छा, तो उस वक्त ना स्क्रीन साइजेज इतने होते नहीं थे, मोबाइल डिवाइसेस तो स्मार्टफोन तो थे ही नहीं, स्मार्टफोन तो 2007 में जब ये एप्पल ने 3G अपना लॉन्च किया iPhone 3, उसके बाद लोगों को पता चला कि अच्छा यार स्मार्टफोन पे कंप्यूटिंग भी हो सकती है, और ये मतलब टच स्क्रीन का पता ही नहीं था लोगों को यार टच स्क्रीन भी कोई चीज़ होती है, इन्होंने पहली बार लॉन्च किया था 2007 में, तो वो उसको स्प्रेड होते होते ही, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट जब सबके हाथों में था ही नहीं, वो जब कोई आके बैठेगा इंटरनेट पे बाकायदा वो सर्च करेगा जब उसको पता चलेगी वो बात, फॉरम्स होते थे, मैसेंजर्स होते थे, उस पर लोग बात बात करते थे, वो भी हेडफोन वेडफोन लगा के ना पूरा ऐसे, यानी नियत करके बाकायदा बैठते थे कि मैं कंप्यूटर पे चैट करने बैठ रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड भी इतनी तेज़ी में नहीं होती थी। तो उस वक्त ना मोबाइल तो थे ही नहीं, और मॉनिटर के सारे के एक ही स्क्रीन का साइज़ होता था, तो इन्होंने बोला कि अच्छा यार कुछ मॉनिटर ना थोड़े 21 इंच के होते हैं, कुछ 17 के होते हैं, कुछ 14 इंच के होते हैं, तो इन्होंने बोला लिक्विड कर दो ऐसे ना, अप्रोच अच्छी थी उसके हिसाब से, लेकिन अभी के हिसाब से ना ये अप्रोच अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी जो मॉनिटर है वो 16:9 का जो मॉनिटर है, एस्पेक्ट रेशो जो 16:9 है, जो आमतौर पर लोग मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये 16:9 ये वाला नहीं है, ठीक है, वो और ऐसे लगता है, वो अजीब सा फील होता है देख के, लेकिन ये कि वो एग्जिस्ट करता है, और जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं वो सब ऑलमोस्ट 16:9 पे बनती हैं। तो अगर किसी का 16:9 वाला एस्पेक्ट रेशो है ना, तो उस पर वो वेबसाइट पूरी फैल जाएगी, बहुत बुरी लगेगी, तो यानी आप इमेजिन करके अगर देखें तो बहुत बुरी लगेगी। अच्छा, उससे भी ज़्यादा ज़्यादा एस्पेक्ट रेशो वाले आए हैं, एक वो सैमसंग का कोई डिस्प्ले है, वो काफ़ी लंबा है, मतलब हाइट भी उसकी इतनी होगी शायद, और विड्थ उसकी इतनी है, वो पूरा यूँ गोल है, यहाँ तक है वो, ऐसे पूरा इतना बड़ा हाथ उसमें आ जाता है, जो 2 मॉनिटर लोग लगा के काम करते हैं ना उनके लिए डिज़ाइन किया है उन्होंने, कि भाई 2 लगाते हो एक ही लगा लो, पूरा बड़ा बना देते हैं, 2, 3, 4 मॉनिटर के बराबर बना दिया उन्होंने एक ही, तो वो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वेराइटीज़ अब आ गई ना। अच्छा, फिर एक और भी आवाना, वो 4K TV खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती है,
ठीक है। मॉनिटर जो 4K वाले ना वो बड़े महंगे हैं, 4K की टीवी निस्बतन सस्ती है, पैनल भी अच्छे मिल जाते हैं LG वगैरह के, ठीक है ना। मतलब 80-90 हज़ार में आपको ऐसा 4K का पैनल वाली टीवी मिल जाएगी जो इनके मुकाबले में बहुत लाख गुना बेहतर है। वो लेके ना उसको खड़े ओरिएंटेशन में लगाते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, और एक उनकी नॉर्मल स्क्रीन होती है, एक वो ऐसे करके लगाया हुआ होता है। तो मतलब ये इतनी सारी वैरायटी जो आ गई ना, ये बड़ा मसला हो गया है। तो इस वजह से लिक्विड लेआउट जो है अब इतनी अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती है। ऑन अदर एंड जो फ्लैक्स बॉक्स है हमारा, फ्लैक्स बॉक्स में भी हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कहीं ना विड्थ में लिमिट लगाते हैं, कहीं ना कहीं जाके ना 1000 पिक्सल पे नहीं, अब 2000 पिक्सल पे लगा लें आप, या 1920 पे लगा लें, क्योंकि 1920 जो है वो क्या है, वो 2K रेजोल्यूशन 1920 है एक्चुअली। तो 2K रेजोल्यूशन पे मैं लिमिट मारता हूँ कहीं ना कहीं अपनी UI को, वरना 4K पे खुलेगा ना इतना बड़ा, तो वो इतने पे फैल जाएगा पूरा, मतलब लोगो इधर, मेन्यू पूरा उधर, बड़ा मसला है ये भी। तो मैं 2K पे कहीं ना कहीं लिमिट तो मारनी है मुझे, लेकिन जाहिर है वो नॉर्मल मॉनिटर पे वो लिमिट काम नहीं करेगी। जैसे मैंने ये मेरा जो स्क्रीन है इस वक्त 1440 इसकी बिल्ड है, तो जब इस पे होगा तो कोई मसला नहीं है, मेरा फ्लैक्स बॉक्स जैसे चल रहा है वैसे चलेगा नॉर्मली। लेकिन जहाँ पे कोई बड़ी स्क्रीन इनकाउंटर होगी, जब मैं, क्योंकि 4K टीवी को भी सपोर्ट देनी है मैंने, तो मैं कहीं ना कहीं 2K पे उसको लिमिट मारूंगा कि वो बिल्कुल उधर ना जाए, थोड़ा एक जगह पे लिमिट होगा। तो इस तरीके से करके मेरा जो फ्लैक्स बॉक्स है वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, या ग्रिड जो अभी मौजूद है फ्लैक्स बॉक्स के साथ साथ ही वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमने कवर नहीं किया है यहाँ पे। तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। इसमें हम आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे तो वो सीधा सीधा डिस्प्ले हो जाता है, जब छोटी होती है स्क्रीन तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बॉक्स छोटा होगा कौन सा बॉक्स छोटा नहीं होगा, पूरे बॉक्स को छोटा और बड़ा हम कर रहे होते हैं। फिर हमने मीडिया क्वेरी जो पढ़ी थी उसको भी बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है इन मामलों में। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास स्क्रीन कोई ऐसी है जो 2K से बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, कंडीशनली अपने फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मेरा सारा बॉक्स जो है वो उतना ही रहता है, लेकिन मैं कंडीशनली अपने फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर स्क्रीन की रेजोल्यूशन इतनी है ना, तो बेस फॉन्ट क्या कर दो मेरा, वो 200% कर दो, तो H1 भी बड़ा होगा, बाकी पैराग्राफ भी बड़ा हो जाएगा, सब बड़े हो जाएंगे, 200% हो जाएंगे, क्योंकि TV आमतौर पर लोग तकरीबन 10-12 फीट की दूरी से देखते हैं, ठीक है। छोटा फॉन्ट उसमें बेकार है TV में, जितनी भी आप TV की ऐप्स देखेंगे बड़े बड़े फॉन्ट होते हैं उसमें। तो इस तरह करके ना अप्रोच अख्तियार करते हैं। तो मेरे पास जो लिक्विड डिस्प्ले है ये शायद अब इतनी बेहतर अप्रोच नहीं रही है। वेल डिपेंड करता है यूज़ केस पे, अगर आपके पास कोई ऐसा यूज़ केस है जिसमें ये वाली चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है तो बिल्कुल आप यूज़ करेंगे, कोई मसला नहीं है उसमें। वेल इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो वो देख लीजिएगा आप। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, फिक्स विड्थ का लेआउट एक कोडिंग करके बताई गई है, ठीक है। ये कोड लिखा हुआ है और इसका रिजल्ट यहाँ पे नीचे आपको डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। ये फिक्स विड्थ है, ठीक है। और नीचे जाते हैं, ये एक इन्होंने एग्जाम्पल बनाई हुई लिक्विड डिस्प्ले की, ये इसका कुछ CSS है, ये लिक्विड डिस्प्ले है। अब इन दोनों को लिखने के बाद ना, जब आप स्क्रीन के साइज को चेंज करेंगे तो एक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा जो पहले वाला था, एक स्क्रीन के साइज के साथ साथ अपने आप को स्ट्रेच करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक ग्रिड है, ग्रिड जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, एक 12-कॉलम ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, 12-कॉलम ग्रिड क्या होता है कि जितनी भी आपकी UI के अंदर जगह होती है विड्थ में, उसको आप डिवाइड कर लेते हैं 12 हिस्सों में, ठीक है। उसको आप क्या कर देते हैं, 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, फिर आप अपने किसी भी कंपोनेंट को जब विड्थ देते हैं तो आप बताते हैं कि भाई तुम 2 कॉलम में हो जाओ, तुम 3 कॉलम में हो जाओ, तुम 6 कॉलम में हो जाओ। बूटस्ट्रैप के अंदर ये पूरा यही इस्तेमाल हुआ है। जब बूटस्ट्रैप के अंदर आप जाएंगे ना, कल हमने थोड़ा सा देखा था, लेकिन चूंकि प्रोजेक्टर डिस्कनेक्ट हो गया था तो हम इतनी डिटेल में देख नहीं पाए थे। तो उसमें जब आप देखेंगे, उसमें विड्थ इसी तरह देते हैं कि भाई ये वाला मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये call 6 हो जाए, ये call 4 हो जाए, इस तरह करके उसमें दे रहे होते हैं। तो ये 12 कॉलम को इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि भाई किस तरह का दिख रहा होता है ये, ठीक है। कह रहे हैं कि मिसाल ले लें आप कि आपकी स्क्रीन 960 पिक्सल है, ठीक है, 960 पिक्सल है, और आप 12 ग्रिड सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपका जो एक ग्रिड होगा वो कितने पिक्सल का होगा,
960 को डिवाइड करेंगे 12 से, तकरीबन आपका ना 70 पिक्सल का एक एक कॉलम बनेगा। ठीक है, तो किसी भी आप आइटम को अगर आप दो कॉलम देते हैं तो वो 140 पिक्सल का हो जाएगा, अगर आप उसको पूरे 12 के 12 कॉलम दे देते हैं तो वो पूरे 940 पिक्सल का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ग्रिड बना सकते हैं की बात नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आपको पता है फिक्स विड्थ में आप काम कर रहे हैं, आपको पता है कि यार मेरे पास ना इतनी विड्थ अवेलेबल है, ये शुरू में आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू विड्थ गेट कर लें, उसको आप डिवाइड कर लें 12 हिस्सों में। ठीक है, तो ये CSS के फ्रेमवर्क्स में ये चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंटेड हैं। ठीक है, CSS की कोई प्रॉपर्टी देखें आपने यहाँ पर जिक्र नहीं किया बुक में इन्होंने, तो ये चीज़ ना पहले से ही बूटस्ट्रैप में और इस तरह के फ्रेमवर्क्स में इम्प्लीमेंटेड है। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी आप विड्थ दे सकते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, जो परसेंटेज में आप विड्थ दे रहे होते हैं वो एक्चुअली यही कर रहे होते हैं आप, क्योंकि आपको पिक्सल तो नहीं पता एक्चुअली कि जिस स्क्रीन पे खुला है उसके पिक्सल्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर मेरी स्क्रीन पे 1440 पिक्सल की चौड़ाई मौजूद है, तो जब इस पर खुलेगा तो मैंने उसको बोला है अगर विड्थ 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1440 का 10% जो भी बनता है वो ले लेगा। ठीक है, तो अब मुझे 1440 को क्या करना है, 12 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी 100 को मैंने क्या करना है, 100 को मैंने डिवाइड करना है अपना, कहाँ गया डिवाइड, 12, तो तकरीबन 8.3% का एक कॉलम बनता है। ठीक है, वेल इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने से बेहतर है जो पहले से फ्रेमवर्क है जिसमें वो इम्प्लीमेंट हुआ है उनको हम इस्तेमाल करें। तो ये भी एक अप्रोच है जो डिज़ाइनर्स को बड़ी पसंद है ना, 12 कॉलम वाली। तो अब इसके पीछे बहुत सारी एनालॉजी है कि भाई ये क्यों इन्होंने ऐसा रखा, क्या सोच के रखा। जैसे फॉन्ट का हमने एक स्केल पढ़ा था कि एक 12 पिक्सल का स्केल है, एक 16 पिक्सल का स्केल है, तो क्या सोच के उन्होंने वो रखा। अब वो उसकी लंबी कहानी है, वो डिज़ाइनर्स के पढ़ने की चीज़ है, वो हमारे पढ़ने की चीज़ नहीं है। ठीक है, वो डिज़ाइनर्स को पूरी हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि अच्छा यार ऐसे ऐसे हुआ था फला जगह पर। मिसाल के तौर पर जो सेंस सेरिफ फॉन्ट है हमारा, उसकी भी एक हिस्ट्री है कि वो चोंचे क्यों निकालते हैं ये बिला वजह। ठीक है, हमें तो इसने बुक में ये बता दिया कि चोंच निकालने से वो अच्छा लगता है, आसानी से रीडेबल होता है। ठीक है, हमें इसने ये बता दिया, लेकिन वो चोंच निकालने के पीछे हिस्ट्री क्या है, किसने वो ईजाद किया और क्यों किया, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जिसको उसने सॉल्व किया उन चोंचों ने जो सेरिफ्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे जो केस स्टडीज़ हैं वो आपको भरे में मिलेंगे, क्योंकि शुरू में जो इंक्स होते थे वो इतने अच्छे वाले नहीं होते थे, तो जो कॉर्नर्स हैं ना आपके, वो जब बुक छपती थी थोड़े पुराने हो जाते थे, तो वो कॉर्नर्स होने की वजह से वो प्रिंट ज़्यादा दिनों तक सही रहता था, इस वजह से वो चोंच निकालते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वो नहीं होता है तो वो जब वर्ड ब्लर होता है या वो इंक उखड़ जाता है वहाँ से, तो आपको पता नहीं चलता कि ये वर्ड एक्चुअली था क्या। इसी तरह प्रिंटर्स वगैरह में जो टाइपराइटर वगैरह है उसके अंदर भी जो फॉन्ट इस्तेमाल होता है वो थोड़ी चोंचों वाला फॉन्ट होता है, कि अगर आपको एक्चुअल वर्ड नहीं भी पता चल रहा तो आप चोंच गिन के ना उसके आप बता देंगे कि एक्चुअल वर्ड ये कौन सा है। अब तो खैर इतना प्रिंटर में मसला नहीं रहा, अब तो बहुत जदीद लेज़र प्रिंटर्स आ गए जिसका प्रिंट कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है पेपर में। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई 12 कॉलम अभी इन्होंने क्यों बनाया, तो आप ये अलग से सर्च कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, इन्होंने एक फ्रेमवर्क का जिक्र भी किया है, 960.js के नाम से एक फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेल, इसका जो है मैंने किसी को भी यूज़ करते हुए नहीं देखा, मोस्ट प्रॉब्ली ये फ्रेमवर्क पुराना हो चुका है, बूटस्ट्रैप में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम भाई जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास और क्या बचा हुआ है। अच्छा, ये चैप्टर हमने कर लिया कम्प्लीट। अच्छा, इमेजेस जो है ना, उसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी ख़ास चीज़ है नहीं, वो खुद से कर लीजिएगा। अच्छा, चैप्टर जो आपके टेस्ट में है गालबन वो चैप्टर नंबर 14 तक ही है। ठीक है, ये 15, 16 और 17 ही आपके टेस्ट में नहीं है, ये मैं वैसे ही आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ।
अच्छा HTML5 के जो लेआउट है ना, इसके अंदर भी क्या किया हुआ है इन्होंने, जैसा फिक्स और लिक्विड वाला ना कोड लिखा हुआ है, और कोड लिख के पहले से यहाँ पे बताया हुआ है कि इस तरह से लेआउट आप, यानी बॉयलर प्लेट आपको काइंड ऑफ इन्होंने बना के दिया हुआ है। तो हम जरा वो कोड जल्दी से देख लेते हैं कि उस कोड में इन्होंने क्या बताया हुआ है। अच्छा, ट्रेडिशनल HTML लेआउट, इस तरह का लेआउट होता है। यही सेम चीज़ हमने वहाँ पर भी जाके देखी थी, MDN पे देखी थी, जो मोज़िला के डॉक्यूमेंट्स हैं वेब के, वहाँ पे जाके देखी थी। तो यहाँ पे ना ये कुछ बताना चाह रहे हैं कि भाई आपकी एक बॉडी होगी, उसके बाद एक होगा आपके पास डिव जिसमें आईडी डालेंगे आप पेज, फिर एक डिव होगा उसमें आईडी डालेंगे हेडर, फिर कंटेंट, फिर आर्टिकल, और फिर फूटर साइड बार, इस तरह करके आप बनाएंगे। अच्छा, अब आपके पास जो नई वाली अप्रोच है, यानी ये तो जो अप्रोच थी ना वो एक ट्रेडिशनल वेब पेज की अप्रोच बता दी इसने, अब ये नीचे बता रहे हैं HTML5 वाली अप्रोच। HTML5 में भी सेम चीज़ करेंगे आप, बट HTML5 में चूंकि आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि किसी भी नाम से आप टैग लिखेंगे वो उसको मना नहीं करता। मिसाल के तौर पे जैसे मेरा नाम, मैंने लिखा मलिक, मेरे नाम से टैग बना दिया, तो वो मुझे मना नहीं करेगा, वो बना देगा, एक एलिमेंट बना देगा। वो उसका बिहेवियर कौन सा वाला होगा? डिव का होगा, ठीक है। बिहेवियर उसका जो डिव का बिहेवियर होता है वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, किसी भी नाम से मैं लिख सकता हूँ। तो अब HTML5 में जो एक लेआउट है, जो ट्रेडिशन बन चुकी है, उसमें हेडर है, उसके बाद हेडर के अंदर नैब है। ज़रूरी नहीं है हेडर के अंदर नैब हो, हेडर के बाद भी हो सकती है, ठीक है, बट इन्होंने अंदर करके बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है साइड बार के लिए असाइड, ASID, ठीक है, आर्टिकल, फूटर, इस तरह करके अब इसके अंदर हम लगा रहे होते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ इन्होंने बनाई हुई है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं वायर फ्रेम। वायर फ्रेम को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ज़रा पहले ये दो तीन हम जो इनके बने हुए हैं ना लेआउट्स वो ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, ये टैग्स के बारे में इन्होंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। एक्चुअली इन्होंने बात ये लिखी है कि ये टैग का कोई बिहेवियर खास नहीं है, बस ये थोड़े सिमेंटिक टाइप के टैग्स हैं, जब कोई दूसरी मशीन आती है तो उसको हेल्प आउट करते हैं। ये जो साइड में इन्होंने बात लिखी है उसको कोशिश कीजिएगा पढ़ लें अलग से, ठीक है, क्योंकि इसने इतनी लंबी बात लिखी है तो कुछ ना कुछ काम की बात है जब ही लिखी है, ठीक है। ये खुद से पढ़ लीजिएगा टेक्स्ट, जस्ट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये, आपको पता हो तो बेहतर है आपके लिए। समटाइम इंटरव्यू में कुछ इस तरह के बेवकूफ़ी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो समटाइम ये छोटी छोटी डिटेल्स अगर आपको पता हो तो बड़े बड़े डिसीजंस लेने में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, ठीक है। तो ये अगर इसको आप पढ़ लें इन डिटेल्स को तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम इसको कवर नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, और ये टेस्ट में आपके ये चैप्टर शामिल नहीं है, ठीक है भाई। सेक्शन हो गया, साइड हो गया, हेडिंग हो गया, फिगर हो गया, कैप्शन हो गया, अभी इन्होंने कोड कहाँ लिखा है वो वहाँ पर चलते हैं। अच्छा, ये जो शुरू में वेबसाइट बताई हुई है ना, इसी का कोड लास्ट में लिखा हुआ है। एक्चुअली कोड लेआउट का शायद वही दो था जो हम पहले देख चुके थे, फिक्स और लिक्विड। अब दोबारा इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार वायर फ्रेम्स क्या चीज़ होती है। इसको हम बंद कर देते हैं और हम एडोब XD ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एडोब XD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप सब लोगों को थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, ये एक सिंपल सा इसमें UI खुलेगी, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप नोट कीजिए एक वेब की स्क्रीन खुली है जिसकी विड्थ क्या है, चौड़ाई जिसकी क्या है, 1920 है, ठीक है। पहले 1000 पिक्सल पे करते थे, अभी 1920 पे इसने विड्थ को लिमिट किया हुआ कि भाई ये विड्थ होगी एक्चुअली इसकी। अच्छा, इसको मैं चेंज वेंज भी कर सकता हूँ ऑफकोर्स। अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि मैं ये काम एडोब XD पे करूँ, इसके दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा ये काम पेपर पे होता है, ठीक है, एडोब XD पे तो बाद में जाते हैं, पहले ये पेपर पे होता है। अच्छा, तो अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मेरी वेबसाइट असल में होगी कैसी। आप सब में से बहुत सारे लोग जो मैं वक्तन आपको छोटे मोटे टास्क देता रहता हूँ,
उसमें मैं ये नोट करता हूँ कि आप ना कुछ जगहों पे फंसे हुए होते हैं कि यार ये बटन सीधा नहीं हो रहा, ये बटन ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। उसका मेन रीज़न जो है ना, इन प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न उसका ये है कि आपने पेपर वर्क नहीं किया हुआ पहले, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपने डायरेक्ट कंप्यूटर ओपन किया और डायरेक्ट आपने HTML लिखनी शुरू की, वो वेबसाइट कभी भी नहीं बनेगी, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, तो कभी भी नहीं बनेगी वेबसाइट, ठीक है। ख़ास तौर पे जब आप बिगनर हो, ठीक है, प्रोफेशनल से भी नहीं बनेगी, क्योंकि जाहिर है एक पेज थोड़ी होता है वेबसाइट में, वेबसाइट में 10-12 पेज एटलीस्ट होते ही होते हैं। तो आपको पहले ना उसके लिए पेपर वर्क करना है। अगर आप डायरेक्ट खोल के बैठ जाएंगे VS कोड और आप सोचेंगे मैं लिखूंगा और वो हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने वायर फ्रेम बनाना है कि मेरा कौन सा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, मेरा कौन सा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, और फिर उसी चीज़ को आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। वेल, तो मैं कोई एक रैंडम वेबसाइट खोल लेता हूँ, बल्कि रैंडम क्या खोलूँ, मैं वही वाला खोल लेता हूँ ना जो आपको दिया था, क्या नाम था उसका, हायर HYER, ठीक है। जैसे अब ये एक वेबसाइट है मेरे पास, तो इसका इसको बनाना है अगर डायरेक्ट मुझे, तो शायद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। चलो ये तो बनी हुई है ना, फिर भी देख के बना रहा हूँ, अगर फ्रॉम स्क्रैच मुझे कोई इस तरह से दे दे और मुझे समझा के चला जाए कि अच्छा यार इस तरफ ना ऐसे जहाज़ कर देना, इधर ऐसे हायर लिख देना, तो वो कभी भी नहीं होगा इस तरह। मुझे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसको देख कर मैं वो बनाऊँगा, ठीक है। अगर फ्रॉम स्क्रैच भी बन रही है या बनी हुई वेबसाइट अगर देख के बना रहा हूँ, तो फिर मुझे खुद ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, एनालाइजेशन उसकी। अच्छा, तो अब इस वेबसाइट के अंदर मैं सिर्फ ये जो फ्रंट का पेज है ना हमारा, जितना पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी एक सेक्शन है ये जो यहाँ पे लकीर लगी हुई है ना, ये एक सेक्शन है, इसका मैं वायर फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका वायर फ्रेम हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक अदद डब्बा, क्योंकि मुझे बॉक्सेस होते हैं, एलिमेंट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सारे बॉक्सेस होते हैं। मैंने कहा भाई एक मेरे पास बॉक्स होगा जो कि क्या होगा, इतना बड़ा होगा ऐसे यहाँ से यहाँ तक, और मैंने कहा इसकी जो है ना थोड़ी सी ये बॉर्डर बढ़ा दो ताकि कि आप लोगों को भी नज़र आए दूर से, ये एक मेरा बॉक्स होगा, राइट। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर ये बड़ा सा हायर लिखा हुआ होगा, इस तरह से कोई चीज़ होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर से ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से होगा, ये एक बॉक्स ऐसे बन गया सेंटर से। अच्छा, फिर उसके बाद इसी बॉक्स को मैं क्या करूँगा, एक और इसकी कॉपी बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये दो बॉक्सेस हो गए मेरे पास। अच्छा, ये इनविजिबल होंगे ऑफकोर्स, ये नज़र तो नहीं आ रहे होंगे। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये जो पहला वाला बॉक्स है मेरा, इसके अंदर एंड टू एंड या एच टू एच मैं क्या लिख दूंगा, मेरा टेक्स्ट है वो लिख दूंगा, ठीक है। मेरा टेक्स्ट या तो SVG में होगा या तो किसी टेक्स्ट के तौर पे होगा, किसी में भी होगा, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, ये जो छोटा सा आर लिखा हुआ है, कौन मुझे बताएगा कि ये छोटा सा आर कैसे लिखा जाएगा। अभी मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट के ज़रिए अगर मुझे ये पूरी चीज़ लिखनी है HYER और इसमें ये छोटा वाला आर भी बनाना है, तो ये कैसे लिखूँगा मैं, छोटा कैसे करूँगा इसको, सुपर स्क्रिप्ट करूँगा, ठीक है। वो टेक्स्ट मैं नॉर्मली लिखूँगा मैं साथ में, और उसको मैं सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। मिसाल के तौर पर ये जो आर का साइन होता है ना, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा ना आर, तो ये मुझे मिल जाएगा, कॉपीराइट लिखूँगा तो आ जाएगा, ठीक है, ये कॉपीराइट का हमारा लोगो आ गया, लोगो नहीं है एक्चुअली, ये उसमें आपके यूनिकोड में ही आता है ये भी, बट चूँकि कीबोर्ड में वो मौजूद नहीं है कहीं, तो मैं या तो कहीं से कॉपी करके ला सकता हूँ उसको, कॉपी राउट सिंबल लिखना था मुझे एक्चुअली, ठीक है। तो ये मेरे पास गूगल से ना कॉपी होके आ गया। अब मैं इसको सिंपली लिखूंगा और लिखने के बाद इतने पार्ट को मैं सुपर स्क्रिप्ट कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल गया, मेरे दिमाग में मुझे बात आ गई कि अच्छा मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट हायर के बाद ही आर लिखूंगा और उसको ऊपर कर दूंगा आसानी से। अब बची मेरे पास ये वाली जगह, अब इस जगह को मैंने क्या करना है, इस जगह को मैं थोड़ा जूम इन और जूम आउट करके भी देखूंगा
कि यार ये चक्कर क्या है, जब जूम इन जूम आउट होता है तो कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। अच्छा जूम आउट पे तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है, सही है, जूम इन पे ये थोड़ी सी मूव हो रही है। वेल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ना ये जूम इन होगी ना ये जूम आउट होगी, फिक्स है, ठीक है, क्योंकि अगर तो मिसाल के तौर पर मुझे जूम इन करने पे या जूम आउट करने पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि भाई ये चीज़ उठ के इसके नीचे या इसके ऊपर आ जाती है, तो उसके लिए मुझे फिर बॉक्सेस उसी हिसाब से बनाने पड़ते हैं। वेल अभी मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। अच्छा तो अब मेरे पास क्या है, दो बॉक्सेस चाहिए होंगे, एक बॉक्स तो इसके लिए चाहिए होगा ऊपर वाले दोनों आइटम उसके अंदर आ जाए, और एक मुझे नीचे वाला आइटम चाहिए। चलते हैं भाई यहाँ पे, एक मैंने बॉक्स बना लिया जिसमें ये ऊपर वाले दोनों आइटम आ जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और ये दोनों छोटे छोटे लोगो ये इसके अंदर आ गए, ठीक है, थोड़ा सा शायद मुझे ये बड़ा चाहिए होगा बॉक्स। उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स है मेरे पास, जो बचे हुई हिस्सा है मेरे पास, उसके अंदर जो ये पर्सनलाइज्ड एविएशन लिखा हुआ है ये आ जाएगा। अच्छा पर्सनलाइज्ड एविएशन के लिए शायद मुझे कंटेनर बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो अगर H1 में या H2 में या H3 में लिखा हुआ है तो वो इट्सेल्फ एक बॉक्स है, ठीक है, वो इट्सेल्फ क्या है, एक बॉक्स है। तो मैं इस पर क्या कर देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ कि ये क्या है, ये H3 बॉक्स है, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, होपफुली H3 में ही लिखा हुआ है या H2 में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अब जो ऊपर वाला बॉक्स मेरे पास आ चुका है, क्या इसमें मुझे मजीद बॉक्सेस की ज़रूरत है? बिल्कुल मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो नेविगेशन का आइटम है वो लेफ्ट पे अलाइन हुआ हुआ है, लेफ्ट की तरफ है वो, और जो मेरे आइकन्स हैं वो राइट पे हैं। अगर तो ये सीक्वेंस में होते ना, एक ही सीक्वेंस में, तो मसला नहीं होता, बट बीच में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होने का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग हैं, एक उधर हुआ हुआ है एक इधर हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक बॉक्स और भी चाहिए होगा इसके अंदर, ठीक है, एक बॉक्स मुझे चाहिए होगा ये वाला जिसमें नेविगेशन बाहर आ गया, और दूसरा बॉक्स मुझे क्या चाहिए होगा, जो दोनों गोल गोल डब्बे हैं उसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्पेस बिटवीन हुए हुए होंगे, ठीक है। अच्छा स्पेस बिटवीन होने के बाद क्या होगा, ये जो मेरा बॉक्स है असल में, जो स्पेस बिटवीन एक इधर हुआ हुआ है एक उधर हुआ हुआ है, ये वाला बॉक्स मेरा UL होगा एक्चुअली, ठीक है, ये वाला बॉक्स मेरा UL होगा, ये जो बॉक्स है एक इधर हो गया एक उधर हो गया, ये UL है। अच्छा अब इसके अंदर जो मेरे पास एक बॉक्स बचा है जिसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें चाहिए दो छोटी छोटी बटन्स चाहिए गोल गोल, क्या मुझे इसके अंदर मजीद बॉक्सेस की ज़रूरत है, सोच के बताओ। अच्छा ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मुझे मजीद बॉक्सेस की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमेज जो है ना इसमें इट्सेल्फ वो क्या है, वो एक अलग बॉक्स है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा भाई एक इमेज ये रही, सही है, और इसी के साथ साथ जो एक और इमेज है वो भी मैं इसके साथ साथ प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने दोनों इमेजेस को यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो आउटर बॉक्स था चकोर वाला ये इमेज नहीं था, बट ये गोल गोल वाले दोनों जो है ये इमेज है, और ये गोल गोल वाले दोनों आपस में क्या हुए हैं, आपस में क्या हुए हैं, ये कंटेनर है जिस पर मैंने अभी होवर किया है, ये कंटेनर है ना, इसके अंदर ये दोनों इमेजेस हैं, तो ये क्या हुए हैं आपस में, स्पेस अराउंड हुए हैं, ठीक है, स्पेस अराउंड भी हो सकते हैं, स्पेस बिटवीन भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके आपके पास ज़्यादा बेहतर क्या दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर इनविजिबल है, तो आप स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है स्क्रीन पे एक जैसा ही दिख रहा होगा।
अच्छा ये जो यू एल है इसके अंदर जाहिर है एल आई के आइटम्स भी होंगे जो कि मैंने यहाँ बनाए नहीं है, उसको बनाना मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं है। अब ये मेरा ना एक वायर फ्रेम तैयार हो गया है, जब ये वायर फ्रेम मेरे पास आ जाएगा ना मुझे एग्जैक्टली पता होगा मुझे किस जगह पे क्या आइटम बनाना है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं नीचे, ये जो जहाज़ की फ़ोटो है ना ये तो बैकग्राउंड इमेज है, इसको तो मुझे फोरग्राउंड पर रखना ही नहीं है, ख़त्म हो गई बात। या मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि मैं एक इमेज लूँ उसकी विड्थ 100% करूं और उसको क्या कर दूं मैं उसका पोजीशन क्या बना दूं, उसकी पोजीशन उसकी बना दूं मैं फिक्स, मगर फिक्स नहीं बना सकता मैं क्योंकि स्क्रॉल भी तो करना है मुझे, अगर फिक्स कर दूंगा तो स्क्रीन पे खड़ी रहेगी फिर वो, मैं उसको बनाऊंगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में आइटम कहाँ से निकल के कहाँ जाता है, अपने नॉर्मल फ्लो से निकल के अपने कंटेनर के अंदर वो आज़ाद हो जाता है, तो मैं चूँकि इसको बॉडी के अंदर बना रहा हूँ तो बॉडी के अंदर ही आज़ाद हो जाएगा, तो जब बॉडी मूव करेगी ना तो साथ साथ ये भी ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन एक तो बैकग्राउंड इमेज बनाना है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस इमेज को बॉडी में सबसे पहले रखूँ सबसे टॉप पे और इसकी मैं विड्थ कर दूँ 100% और इसको मैं बोलूँ कि भाई आपकी पोजिशन क्या हो गई है एब्सोल्यूट हो गई है, ताकि ये अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर आके अपने कंटेनर में जाके चिपक जाए, और फिर मैं उसको बोलूँ कि जेड इंडेक्स आपका क्या है -10 है, आप सबसे पीछे रहोगे, ठीक है -10 या -20 जो भी आपको, क्योंकि अब ये -10-20 आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपकी स्क्रीन में बाय डिफ़ॉल्ट सारे ज़ीरो होते हैं इंडेक्सेस जो हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी को 10 किया हुआ ऑलरेडी -10 तो फिर इसको आपको -20 करना पड़ेगा उससे भी पीछे भेजने के लिए, सही है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे जेड इंडेक्स के जरिए उसको पीछे भेज देंगे, ये काम हो गया मेरा। उसके बाद मेरे पास नीचे एक और बॉक्स आया हुआ है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई नीचे का जो बॉक्स है मेरा वो तो मैं बना दूंगा ऐसे करके यूँ, ये जो बीच में स्पेस आ गया इसका मैं क्या करूँ, कौन ये इसका जवाब देगा मुझे, भाई ये प्रॉब्लम आई होगी ना सबके पास, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि बीच में तो स्पेस है ना मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, बीच में अच्छा खासा स्पेस है, हायर लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे, वो लिखा हुआ है नीचे, हाँ फ्लेक्स एंड नहीं, मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस तरह का कोई कंटेनर बनाता हूँ तो वो तो यहाँ बनेगा ना आके, इसके नीचे बनेगा ना, ऐसा ही होगा ना, इसके नीचे बनेगा वो आके, है कि नहीं। अब इसको मैं नीचे कैसे लेकर जाऊँ, अच्छा मेरी स्क्रीन की हाइट नहीं है कोई, स्क्रॉल करूँगा जितना करते जाऊँगा, इसके दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं मार्जिन दे दूँ इस आइटम को टॉप, मार्जिन टॉप देके उसको मैं बढ़ा दूँ, लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर तरीका ये होगा कि मैं पूरा एलिमेंट ही बड़ा बनाऊँ, ठीक है। डिपेंड करता है आपको क्या ज़्यादा नेचुरल लग रहा है या क्या ज़्यादा आपको हैंडी लग रहा है, या कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि यार मेरे लिए मार्जिन देना ज़्यादा बेहतर है या मेरे लिए एलिमेंट पूरा बड़ा करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट को पूरे को बड़ा कर दूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि वो क्या कहते हैं मार्जिन कोलैप्स वोलैप्स का चक्कर मेरे साथ ना हो, क्योंकि ऊपर भी ब्लॉक लेवल है नीचे भी ब्लॉक लेवल है, मार्जिन दूंगा वो कोलैप्स करेगा सम टाइम उसमें मिसकैलकुलेशन हो जाती है, तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए मैंने कहा भाई विड्थ इसकी हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ। मार्जिन कोलैप्स सब लोगों को अच्छे से पता है ना, मार्जिन कोलैप्स नहीं पता तुम लोगों को, मार्जिन कोलैप्स ये होता है कि दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट अगर एक ऊपर है एक नीचे है, आपने क्या किया ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम दिया आपने 200 पिक्सल और नीचे वाले को भी आपने मार्जिन टॉप दिया 200 पिक्सल, तो इन दोनों का फासला आपस में क्या होगा 400 पिक्सल नहीं होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में 400 पिक्सल नहीं होगा, ये 200 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है, वो मार्जिन आपस में ऐसे एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो मार्जिन कोलैप्स को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, हम यहाँ क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं अगर किसी को समझ में अभी भी नहीं आया तो। वेल तो मैं मार्जिन कोलैप्स से बचने के लिए मैंने ये काम कर दिया, अब इसके अंदर मुझे एक बॉक्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और एक बॉक्स चाहिए मुझे आगे,
सही है, तो मैंने दो बॉक्सेस बना दिए इस तरह, सही है, दो बॉक्सेस बन गए मेरे पास। ये दोनों बॉक्सेस आपस में क्या है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई इसमें जस्टिफाई कंटेंट क्या हुआ है, जो नॉर्मल होता है डिफॉल्ट होता है वही है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस जो फ्लैक्स का कंटेनर होता है, मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये कंटेनर है, तो अगर ये कंटेनर है तो इसके जो दोनों चिल्ड्रन है वो क्या होंगे, साइड बाई साइड होंगे, पूरी पूरी जो मिलेगी वो ले लेंगे। अच्छा अब आते हैं अंदर, अब अंदर आने के बाद हमने क्या देखा कि इस तरफ वाला जो बॉक्स है ना, इसमें जो टेक्स्ट है वो तो है लेफ्ट पे, जो कि क्या है एक डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका, तो इसके अंदर तो टेक्स्ट, ये खुद ही टेक्स्ट बन जाएगा एक्चुअली, क्योंकि इस पर कोई स्टाइलिंग मुझे अप्लाई नहीं करनी मज़ीद। मैंने कहा भाई पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, क्योंकि इस पर मुझे मज़ीद कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी, एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ और वो अलाइन किधर हुआ हुआ लेफ्ट पे, जो डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर है एक एलिमेंट का, ठीक है, या एक टेक्स्ट वाले एलिमेंट का। ऑन अदर हैंड जो दूसरा वाला बॉक्स है मेरे पास, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये दो बटन है और दोनों बटन सेंटर में हुए हैं, दोनों बटन क्या हुए हैं, सेंटर में हुए हैं, तो इसको सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो तीन तरीके हैं इसको सेंटर में करने के लिए। नंबर एक तरीका तो ये है कि मैं इसके अंदर दो मज़ीद बॉक्सेस बना दूं, ठीक है, या एक बॉक्स मज़ीद बना दूं जिसको मैं फ्लैक्स के ज़रिए सेंटर में कर दूं, या मैं एक काम और भी कर सकता हूं, जाते हैं भाई फ्लैक्स के उसमें, फ्लैक्स बॉक्स में, ठीक है, और इसके अंदर हमें हमारे पास एक जस्टिफाई कॉन्टेंट में चीज़ मौजूद है सेंटर, मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि मैं दो बटन प्लेस कर दूँ, मैं बोलूँ भाई सेंटर, तो वो क्या होंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे आपस में, नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने दो बटन रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेरा ये जो है मेरा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने दो बटन रखने हैं और इस कंटेनर के अंदर वो दोनों बटन सेंटर होने चाहिए, जो जैसा कि मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस कंटेनर के अंदर वो दोनों बटन सेंटर होने चाहिए। तो मैंने फ्लैक्स बॉक्स के डॉक्यूमेंट में जाके देख लिया है कि अगर मैं इस बॉक्स पे, जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है, इस बॉक्स को अगर मैं क्या बना दूँ, अगर मैं इसको कंटेनर बना दूँ और मैं बोलूँ कि जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, तो क्या होगा, वो दोनों बटन आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा बीच में, तो थोड़ा दूर हो जाएंगे वो, ठीक है। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, अगर मुझे ये करना होगा ना कि भाई फ्लैक्स रैप करने पे ये बटन नीचे आएगा, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा कि भाई फ्लैक्स रैप करने पे मैं क्या करूँ, इस कंटेनर को और इस कंटेनर को एक दूसरे के नीचे लेकर आ जाऊँ, ठीक है, या मैं दोनों बटन्स को एक दूसरे के नीचे लेकर आ जाऊँ, चकोर बॉक्स बन जाए बिल्कुल, क्या करूँगा। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो पहले मुझे डिसाइडेड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। हेलो, हाँ जी, बस हम दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। हाँ दो मिनट में स्टार्ट, अच्छा तो पहले मुझे सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूँ, रिजल्ट किस तरह का चाह रहा हूँ। मुझे एक बार पता चल गया, उसके अकॉर्डिंगली मैं फ्रेम, वायर फ्रेम बनाऊँगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं चीज़ें प्लेस कर दूँगा। तो अभी मुझे ये पता चल गया कि भाई मैंने डायरेक्ट इसके अंदर क्या करना है, सॉरी इसके अंदर मुझे डायरेक्ट क्या करना है, इमेज लगानी है दो अदर, और वो दोनों इमेज क्या होगी, सेंटर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इन दोनों इमेज को मैंने क्या कर दिया, इस बॉक्स के अंदर सेंटर कर दिया, और इन दोनों इमेज का मैंने जो बॉर्डर रेडियस का भी इसमें बहरहाल कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है,
वेल तो इसमें कहीं पे बॉर्डर रेडियस का भी ऑप्शन होता है, वो अभी गुम हो गया, मिल नहीं रहा हूँ। तो आपने इस तरह जो है ना दो इसके अंदर बटन लगा देना है, और दोनों बटन को आपने क्या कर देना है, इसके कंटेनर को बोल देना है कि भाई आप सेंटर में बोलो सीधा सीधा। तो ये हमने क्या सीखा कि एक वेबसाइट का हम वायर फ्रेम कैसे बनाते हैं जब एक वेबसाइट को हमें फ्रॉम स्क्रैच बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ CSS की और रह गई है थोड़ी सी, कि इंटरनेट से हम टेम्पलेट्स को कैसे डाउनलोड करके और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होपफुली हम जो है ना इंशाल्लाह ईद के बाद जब हमारी क्लास होगी तो टेस्ट होगा आपका सबसे पहले, तो ठीक है, इस चीज़ के लिए आप रेडी होके आइएगा, जब आपके ईद के बाद क्लास होगी फ़ौरन टेस्ट होगा, और उसी के साथ फ़ौरन हम 15 या 20 मिनट स्पेयर करके अपनी क्लास में से हम ये चीज़ सीख लेंगे कि टेम्पलेट्स क्या चीज़ होते हैं और टेम्पलेट्स हम इंटरनेट से डाउनलोड करके उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि ईद के बाद। आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक जी दोस्तों।